इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपेश। सत्ता के संग्राम में आज बात होगी मध्य प्रदेश बीजेपी के उन शूर वीरों की जिनके कंधों पर पार्टी को एक बार फिर प्रदेश में विजय दिलाने का दारोमदार होगा। और राज्य में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट घोषित कर दी। हालांकि सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान अभी नहीं हुआ है। 53 सीटों पर फिलहाल संशय है और इसीलिए वहां पर अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए। लेकिन पहली लिस्ट में 177 यानी जंबो लिस्ट जारी हुई है और इसमें कई सिटिंग एमएलएज के टिकट कटे हैं। जैसे ही नामों का ऐलान हुआ तो कहीं खुशी कहीं गम का माहौल छा गया। बीजेपी की पहली सूची में कई दिग्गजों के टिकट कटे और 40 के करीब नए चेहरों को इसमें शामिल किया गया है। इस ऐलान के बाद भी एक रोचक सस्पेंस बना हुआ है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही आपको इस बात की भी जानकारी देंगे कि बीजेपी की देखा देखी एमपी कांग्रेस भी अपने कितने प्रत्याशियों के टिकट काटती है या फिर किसे अपने प्रत्याशी के रूप में उन्होंने फाइनल किया है। बस नाम का ऐलान होने का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि अभी तक माना जा रहा था कि जो पहली लिस्ट आ जानी चाहिए थी, बड़ी जद्दोजहद दिल्ली में चल रही है और इसी वजह से पहली लिस्ट ही कांग्रेस की अटकी हुई है। तो बहरहाल इन 177 के साथ साथ कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों पर भी चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आज का सत्ता का संग्राम। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। तो सत्ता के संग्राम में पहले चरण की चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक रमेश शर्मा जी। सर आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं स्वराज डिजिटल के संपादक के अग्निहोत्री। सर सर आपका भी स्वागत है। चर्चा करेंगे लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज जो प्रत्याशियों की घोषणा की है, पहली लिस्ट से कहना चाहिए और कांग्रेस पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया है। पार्टी ने 177 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की और इसमें कई मौजूदा विधायकों के टिकट कटे हैं। 53 सीटों पर नामों का ऐलान होना बाकी है और सबकी नजर इस बात पर है कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर, पूर्व मंत्री सरताज सिंह को टिकट मिलेगा या नहीं। एमपी बीजेपी की 53 सीटों पर सस्पेंस बरकरार। गौर और सरताज के भाग्य का फैसला बाकी। पहली सूची में 177 नामों का ऐलान, कई दिग्गजों का कट गया पत्ता। बड़ बोले मुनमुन को मिला टिकट। बीजेपी ने विधानसभा चुनावों के लिए बहुप्रतीक्षित अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करती है। पार्टी ने इस लिस्ट में अपने 177 उम्मीदवारों की घोषणा की है। पहली सूची में लगभग 33 विधायकों के टिकट कटे हैं। कई महिला विधायक भी इस लिस्ट में अपनी जगह नहीं पा सकी। लिस्ट में सबसे बड़ा झटका लगा है शिवराज सिंह चौहान सरकार में मंत्री माया सिंह को, जिनका टिकट काट दिया गया। बीजेपी ने माया सिंह की जगह पार्षद सतीश सिकरवार को मैदान में उतारा है। माया सिंह ग्वालियर पूर्व से चुनाव लड़ती आ रही हैं। माया सिंह के अलावा गौरीशंकर शेजवार का भी सूची में नाम नहीं है, लेकिन शेजवार की जगह उनके बेटे मुदित शेजवार को सूची में जगह दी गई है। इसी तरह रामपुर भगेलान में राज्य मंत्री हर्ष सिंह की जगह उनके बेटे विक्रम सिंह को मैदान में उतारा गया। जीपी में शामिल हुए 3 निर्दलीय विधायकों सुदेश राय सीहोर से, मुनमुन सेन सिवनी और कल सिंह भावर झाबुआ से बीजेपी प्रत्याशी बनाए गए हैं। वहीं प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधनी सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले माना जा रहा था कि वे किसी और विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें कि राज्य में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। इसमें 177 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है, मतलब अब 53 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों का फाइनल होना अभी बाकी है। बड़ा सवाल यह भी है कि पार्टी के वायुव्रत नेता बाबूलाल गौर और सरताज सिंह का क्या होगा। फिलहाल देखते हैं कि बची हुई 53 सीटों पर बीजेपी किसे मैदान में उतारती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुराज एक्सप्रेस।
चलिए तो विश्लेषण करेंगे इन 177 नामों पर। हालांकि बीजेपी की ओर से कहा गया है अब कि जो घटिया सीट है उस पर गलती से नाम का ऐलान हो गया और वो सीट अभी होल्ड पर है, क्योंकि प्रेमचंद गुड्डू शाम 4 बजे बीजेपी में शामिल हुए, वहां से हो सकता है प्रेमचंद गुड्डू को ही उम्मीदवार बनाया जाए। बहरहाल हम चर्चा करें और हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, नागरिक आपूर्ति निगम के चेयरमैन डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी भी, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दीपेश जी। जी डॉक्टर साहब, 177 नाम लेकिन कई विधायकों के टिकट काटने पड़े हैं, कई नए चेहरों पर आप भरोसा जता रहे हैं, 2 मंत्रियों के टिकट, ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सबसे पहले वर्तमान विधायकों के टिकट क्यों काटे गए? देखिए दीपेश जी, हम इसको कई बार कह चुके हैं, मैं फिर पुनः कहना चाहूंगा कि आप ऐसा मत सोचिए, हर साल 5 साल में एक बार ये अवसर आता है जब 230 लोगों को फॉर्म भी देकर भारतीय जनता पार्टी अवसर देती विधायक के रूप में जनप्रतिनिधि बनने का, जबकि कार्यकर्ताओं की संख्या तो बहुत है, आप स्वयं जानते हैं, और मैं भी चाहता था कि मुझे अवसर ये मिले। मैं आपसे पूछने वाला था, आपने सस्पेंस खोल दिया। डॉक्टर साहब आपके टिकट का क्या हुआ? नहीं, इसमें कोई सस्पेंस वाली बात नहीं है, पर हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि फिर टिकट 230 ही दिए जा सकते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जिनको नहीं मिला उनका काट दिया या वो कमतर हैं या अयोग्य हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ठीक नहीं होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि जब हम टिकट के आकांक्षी होते हैं तो हमें खराब नहीं लगता। सवाल इसलिए उठा है, ये हमने इसलिए पूछा कि क्या वो 40 विधायक ठीक से काम नहीं कर पाए, सर्वे रिपोर्ट उनके खिलाफ थी या कोई कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, इसलिए हमने पूछा। मुझे लगता है कि शायद कुछ बेहतर चीजें उनका इंतजार कर रही होंगी। अच्छा। पार्टी में बहुत स्थान है, 12 दिसंबर को आप शिवराज जी को शपथ ले लेने दीजिए। अच्छा। फिर आप देखिए सरकार में इतने स्थान होते हैं कि 11 को रिजल्ट आएगा, 12 को शपथ, इतनी क्या जल्दी डॉक्टर साहब? उसके बाद शायद कुछ पंचक लग रहे हैं। अच्छा, तो आप जैसे कुछ मित्रों ने सलाह पंचांग भी देख लिया गया, गजब है। लेकिन डॉक्टर साहब ये विरोध के स्वर फूटने लगे हैं, कई कई तो आपकी पार्टी जो अनुशासित कार्यकर्ता है वो बिना पूछे नामांकन फॉर्म खरीद रहे हैं। भूपेन जी हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनका मैं परिचय करा दूं। भूपेन गुप्ता जी हमारे साथ में कांग्रेस की ओर से। भूपेन जी बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। भूपेन जी हम इंतजार ये कर रहे थे कि बीजेपी की लिस्ट के बाद आपकी लिस्ट आती तो फिर मिला के चर्चा करते, लेकिन ये कहां देर हो रही है? नहीं, हमारी भी सूची आने वाली है, देर रात तक हमारी सूची आ जाएगी। देर रात को आप पचाएंगे साहब? अब शाम को हो जाती तो बढ़िया रहता, अभी चर्चा भी हो जाती। सुबह सुबह अपन डिस्कस कर लेंगे। नहीं नहीं, इतना लेट हो थोड़े ही ना हो सकते साहब। कांग्रेस भले ही देर करे, हम देर नहीं करते हैं, लेकिन बीजेपी ने आज एक झटका कांग्रेस को भी लगा, पहले उस पर आप थोड़ा कमेंट कर दीजिए। गुड्डू जी क्या हुआ इन वक्त पे, चुनाव के वक्त पार्टी छोड़कर चले गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो है विधायक हमारे पाले में आ चुके हैं और कई लोग हमसे अपेक्षा कर रहे हैं कि हम उन्हें पार्टी ज्वाइन करा लें। ये राजनीतिक आवागमन जो है ये चलता रहता है, ये राजनीति का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी इसको अपनी फतेह मानती है या जीत मानती है। भारत कांग्रेस इस तरह का कोई भी बातचीत नहीं करती, इसको एक सहज रूप में लेती है, और इन लोगों को चूंकि डींगे मारने की आदत रहती तो ये लोग इसको एक महान फतेह समझते हैं। अच्छा, ये राजनीति में ये सब चीजें चलती रहती हैं। तो वो गए हैं तो उन्हें पता चलेगा कि अब वो गए हैं तो उनको क्या उससे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो भी लोग गए हैं वो बताते हैं कि उनके साथ वहाँ पर कैसा स्पृश्य व्यवहार किया जाता है। भूपेन जी, घटिया सीट पर प्रत्याशी घोषित करने के बाद फैसला वापस लिया गया और कहा जा रहा है कि होल्ड पर है वो सीट, यानी गुड्डू जी की वहां से उम्मीद है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा कई बीजेपी के विधायक आपकी पार्टी में आ रहे हैं, आप कहते थे कि बीजेपी तो कांग्रेस युक्त हो गई है, अब क्या कांग्रेस बीजेपी युक्त हो रही है? नहीं नहीं, देखिए जब कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस युक्त हो गई तो उनका संस्कारीकरण तो पूरी बीजेपी का ही कांग्रेसीकरण हो चुका है। इनके पास ऐसे कौन से काम है जिसकी ये आलोचना करते थे वो आजकल ये नहीं करते हैं। ये जो है ये मस्जिदों में भी जा रहे हैं, खूब गालियां देते थे। ये जो है इनके लोग शराबखोरियों में और वेश्यावृत्ति से लेके सारे कामों में पकड़े जा रहे हैं, ये जिनकी आलोचना करते थे, और ये जो है खूब आलोचना करते थे देश की
सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें और दावे करते थे, अब इनके लोग आईएसआई के लिए पैसे लेके काम करते पकड़े जा रहे हैं। तो ये सारे काम जो ये कहते थे कि हम देश की रक्षा में बिल्कुल जान अड़ा देंगे, हमारा इतना चौड़ा सीना है, नहीं नहीं ठीक है, जिन जिन ने जिन आतंकवादियों ने हमला किया हमारे एयरबेस पे पठानकोट में, ठीक है, उस एयरबेस की थोड़ा हम राजनीति तक यहीं तक रहे। डॉक्टर साहब भूपेन जी, ये मुद्दे तो हो ही गए हैं, लेकिन हम प्रदेश की इस पर बात, लेकिन डॉक्टर साहब गंभीर आरोप लगा रहे हैं भूपेन जी। हाँ, थोड़ा सा कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मैं थोड़े जवाब दे देता हूँ जी। ये पहली चीज तो ये टिकट इसलिए नहीं बांट पा रहे हैं क्योंकि यदि दिन में बांट देंगे तो इनका कार्यालय ध्वस्त हो जाएगा। अभी पटदान जी ये उसके बाद जितना डिले करेंगे, मैंने पहले बोला था कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मुझे मालूम तो कुर्सी होने लगेंगे। दूसरी बात आप सुन लीजिए, भूपेन जी उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिनके मुख्य प्रवक्ता हाई कोर्ट के जज बनाते थे, पूरी सीटी पूरे देश में देखी है, और उसके बाद भी वो आज भी उनके चरित्र का सर्टिफिकेट मिलती है। अभिषेक मनु संघवी जी पूरे देश के सामने सात्विकता से प्रस्तुत, डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं कहाँ सुधरवाली के लिए उनका जवाब दे दीजिए, ठीक है। नहीं मैं अभी सुधरवाली है कि नहीं, अभी टूटे ही पड़े अभी अभी भूपेन जी, आप कान करा लो, आप अपने कांच की चिंता करिए, क्योंकि टूटी जारी होने के पश्चात पहले ही बोला था कि उखड़ जाएंगे, मैं बोलूंगा तो मैंने आपको पहले ही बोला था, इसमें जो है ज्यादा खर्चा नहीं है जी। भूपेन जी, भूपेन जी एक मिनट जरा सुन ले डॉक्टर साहब की, हम डॉक्टर साहब की बात सुन ले फिर आपको पूरा मौका देंगे जी। तो जो मैं कह रहा था कि प्रेमचंद गुंडू जी पूरी जो उज्जैन लोकसभा है, जो आरक्षित लोकसभा है उससे जाना हो, उसके सदमे से अभी उभर नहीं पाए हैं। उसके पश्चात बहुत सारे लोग हमारे संपर्क, अजय सिंह जी कई बार बोल चुके हैं, अरुण जेटली जी के बहुत अच्छे मित्र हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कब तक वो चल पाते हैं, क्योंकि जो आयातित नेता हैं कमलनाथ और सिंधिया जैसे, वो दिग्विजय सिंह जैसे जमीनी नेताओं को पीछे करने का प्रयास कर रहे हैं, और यही कारण था भूपेन जी आप कहा जी 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 देखिए वो जो है राजा ने फिर महाराज को तड़ी दे दी वहाँ पे। अच्छा, तो राहुल गांधी जी को अभी निकलना था शाम को विदेश यात्रा पर, वो खुद ही बोले जो होता तुम लोग संभालो बहुत हो गया है, उन्होंने अभी दो घंटे के लिए रुक गए कि चलो फाइनल सूची पे एक बार और दस्तखत कर दूं, तो शायद 40 के आसपास तो कुछ ना कुछ विधायक आ ही जाएंगे। ठीक है ठीक है, पूरी डिटेल देखिए कहाँ लीक हो रही है, डॉक्टर साहब को सब चीजें पता है। लेकिन भूपेन जी हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, और डॉक्टर साहब आपसे भी सवाल करेंगे, के अग्निहोत्री जी भी हैं, रमेश शर्मा जी हैं। पहले रमेश जी आप सवाल करना चाहेंगे। देखिए मोटे तौर पे मैं तो भूपेन जी से ये जानना चाह रहा हूँ कि बार बार हुआ था कि पहले 15 अगस्त के पहले आ जाएगी लिस्ट, फिर सितंबर में आ जाएगी, फिर दशहरे के पहले आ जाएगी, तो क्या वजह है कि भाजपा की पहले आ गई और कांग्रेस की अभी अटक गई है? नहीं, हम लोग जो है जरा ज्यादा हमारे लिए सघनता से जांचें करनी पड़ती हैं, क्योंकि हम लोगों को वापस आना है, ये 15 साल की इनकी हुकूमत है, तो ये 15 साल की हुकूमत को पलटने के लिए थोड़ा ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, ज्यादा विवेक लगाना पड़ता है, तो हम लोग लगा रहे हैं, और घंटों में ही फर्क है, ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है जी। जी दोस्तों, हाँ के सर जी, डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाह रहा था कि आज जो 176 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है, इन उम्मीदवारों के नाम देखने के बाद क्या आपको लगता है कि आप 200 पार जा सकेंगे? बिल्कुल केके जी, और मुझे लगता है ये तो उम्मीदवार हैं, इनके साथ साथ हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ता भी काम करेंगे, मेरे जैसे असंख्य कार्यकर्ता है जो काम करेंगे, और आप देख रहे कितने अनुशासित तरीके से 48 घंटे के अंदर हम लोगों ने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया है। राज्य की बैठक हुई जो भोपाल में ही हुई, हमारे यहाँ 10 दिन से कोई गायब नहीं, आप सोचिए कांग्रेस दफ्तर में तो कोई बैठ ही नहीं रहा 10-12 दिन से, इतने डरे हुए हैं लोग, तो सब दिल्ली में छुप के बैठे हुए हैं कि कैसे टिकट बांटे। हमने लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर बांटा है, उसके बाद दिल्ली की बैठक समय से हुई है, और उसके बाद आज सुबह सूचियां भी जारी हो गई हैं, और परसों संभवतः बचे हुए नाम भी आपके जारी हो जाएंगे। और बहुत ज्यादा भगदड़ मचने वाली है केके जी, मैं आपको बता दूं कांग्रेस के अंदर, क्योंकि कांग्रेस में टिकट सब कुछ होता है, भाजपा में टिकट के अलावा भी बहुत कुछ होता है राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए। ये कहकर मैं आपकी बात का जवाब दे पा रहा हूँ, ऐसा अनुभूत करता हूँ। डॉक्टर साहब मैं यह भी जानना चाह रहा था कि आज जो ग्वालियर पूर्व में जो हुआ है, माया सिंह जी के समर्थकों ने जो किया है वो हमने भी अपने चैनल पर दिखाया है, तो ये तो साधारण से रिएक्शन आपके आएंगे ही? नहीं, मुझे लगता है कि यदि आप जब भी कंपेयर करेंगे तो
आप ये पाएंगे कि रायपुर बिलासपुर इन घटनाओं को भी आपने दिखाया है, ऐसा तो है नहीं। और मैं इसमें कोई होड़ भी नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन आप स्वयं समझ सकते हैं कि जो पार्टी 10% सीटें भी लेकर नहीं आती है लोकसभा में, स्वाभाविक है कि उनकी हालत ज्यादा खराब है। और चूंकि हमारी पार्टी 20 राज्यों में कहीं ना कहीं सरकार नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तो बहुत गंभीरता से मंथन कर रहे हैं ताकि बढ़िया लोग आए और हम मात दे पाए बीजेपी को, इसलिए लेट हो रहा है। मेरी पाठशाला में एक विद्यार्थी मेरा मित्र ऐसे ही था जो पीछे बेंच पे बैठता था और वो सो जाता था। अच्छा। तो जब भी उसको टीचर जगाया करते थे तो बोलते थे मैं बहुत जोर शोर से मनन कर रहा हूँ। और वो आज एक परचून की दुकान पर है, हमारा बहुत अच्छा मित्र है भूपेन जी। हम दोनों कभी कभी बैठा करते हैं साथ में। तो अब कांग्रेस की हालत तो लगभग वैसी हो गई है कि वे अपने सोने को भी चिंतन में बदल। भूपेन जी का जवाब भूपेन जी, 27 विधायक तो इनके युद्ध में उतरे बिना ही खेत हो गए हो भैया को, अभी जो है परचून की दुकान पे जाने की पड़ी हुई है, जल्दी जाएंगे उसी दुकान पे और इनसे पूछेंगे 27 खेत क्यों हो गए भैया, अभी तो अभी युद्ध तो शुरू ही नहीं हुआ है, ये तो अभी युद्ध ही शुरू नहीं हुआ है। तो आपकी जो है स्थिति इससे स्पष्ट है, अभी भी आपको जो है 15 साल राज चलाने के बाद स्कूल की बच्चियों को बुलाना पड़ता है अपनी सभाएं करने के लिए और ढींगे ऐसे मार रहे हो, मल्ड की सबसे बड़ी पार्टी आप, तो ये ढींगे मारना बंद करो जरा जरा। हाँ, 10% नहीं ला पाए प्रतिपक्ष बना पाते, तुम्हारी गालियां देने से कुछ नहीं होगा कांग्रेस, हमने दान भी मिल पाएगा दो सीटें जिस दिन तुम्हारी 2-3 दान में हमने दी थी, तुमने नहीं दी थी भैया, तू तलाक तुम्हारी और भैया और इससे कुछ नहीं होगा तुम्हारी हवा जो है। अरे फिर वही आप पेट के डॉक्टर हो गए, हवा किधर से निकलती है उसकी आवाज किधर से निकलती है इससे उतर आए आप इतनी जल्दी अपना संतुलन खो देते हो कि मेरे को अस्पताल की याद आ जाती है। बार बार निकालेंगे हम लोग कि आप हवा कहाँ से निकलती है और आवाज कहाँ से निकलती है, इस स्तर पे बात करोगे तो आप और 44 से नीचे चले जाओगे थोड़े दिन में। मैं समझ रहा हूँ, और अब राहुल गांधी जी आज जा रहे हैं, माली सालिश करा के आएंगे फिर निपटेंगे हम उससे। बिना लड़े खेत कैसे हो गए ये समझाओ। राहुल गांधी आज क्यों देश छोड़ के जा रहे हैं ये तो बता दो सर, ये देश छोड़ के जाने का समय है, शाम की फ्लाइट है उनकी, क्यों जा रहे हैं ये बता श्रीमान जी। कांग्रेस पलायन क्यों कर जाती है, और अभी कांग्रेस के सिंधिया जी ने ट्वीट किया है, बीजेपी जी आप भी चलाइएगा कि बीजेपी इज गोइंग टू कम इन मध्य प्रदेश, अंग्रेजी में ट्वीट है, यदि बीजेपी जी आप चला सकते हैं तो जरूर दिखाइए। बिल्कुल दिखा देंगे। सिंधिया जी ने स्वीकार किया है कि बीजेपी इज गोइंग टू कम इन मध्य प्रदेश, मैंने उसको एक जगह शेयर भी किया है। अच्छा, तो बड़े कंफ्यूज से है ये लीडर आपस में, लड़ाई लड़े अभी 10-12 और आ रहे हैं आपके हमारे यहाँ, हम तो इसीलिए थोड़ा सा अभी तैयारी कर रहे हैं कि कैसे उनको अकोमोडेट करेंगे। चलिए कैसे गए ये तो बताओ। करेंगे करेंगे, कांग्रेस के अच्छे साथियों को जरूर जगह देंगे। नहीं मिल रही कि आप खेत हो जाओगे जी जी। डॉक्टर साहब, इंदौर में क्यों मामला फंसा हुआ है, क्या वहाँ भी अभी भी ताई भाई का कलेश है क्या? नहीं, परसों सूची आ जाएंगी, बड़े नेता है ना, तो बड़े नेता लोग थोड़े विचार करके देते हैं। अच्छा। थोड़ा चिंतन हमारे यहाँ भी हो जाता है कभी कभी कांग्रेस। अच्छा। जैसा तो परसों करके वो भी जारी कर देंगे। चलिए अब रमेश जी, और कोई सवाल आप जरूर? ठीक है, इंदौर का पूछने वाला था आपने। अच्छा, नहीं नहीं, तो आप विस्तार से पूछ सकते हैं, उन्होंने तो बहुत छोटे में जवाब दिया कि परसों लिस्ट आ जाए, लिस्ट तो आना ही है डॉक्टर साहब, ऐसा थोड़ी ना कि लिस्ट नहीं आएगी। हाँ, मतलब डॉक्टर साहब से ये जानना चाह रहा था कि जो मोटे तौर पर जो खबरें वहां से आ रही थी, केवल 2 या 3 सीट पर ही थोड़ी समस्या थी, बाकी 4 सीटों पर तो कोई समस्या थी नहीं, उनका तो आप डिक्लेयर कर ही सकते थे, उसमें बाधा क्यों आ गई जी डॉक्टर साहब? रमेश जी, मुझे लगता है समस्या किसी पर नहीं है, बेहतर प्रत्याशी चुनना है, और कल चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास कार्यक्रम है तो स्वाभाविक है कल देर रात तक उनसे फाइनल चर्चा होके परसों ये सूची आ जाना चाहिए, ऐसा बताया गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा होगा। हम राहुल गांधी जी की तरह थोड़ा ना कि शाम की फ्लाइट पकड़ के अब विदेश रवाना होने वाले, हम तो आपके बीच ही रहेंगे साहब, कभी भी आप पकड़ के खींच के पूछ लेना। चलिए भूपेन जी, ऐसा खबरें उड़ी थी कि 80 विधायकों के टिकट बीजेपी काट सकते हैं, हालांकि अभी 27 से कुछ ज्यादा आगे पीछे चल रहे, कुछ को परिवार से मिल गया तो उन्हें काटा माना जाए या ना माना जाए वो हम आप पे छोड़ते हैं, लेकिन भूपेन जी क्या आप भी अपने विधायकों के टिकट काटेंगे? आप तंज तो कस रहे थे, लेकिन क्या गारंटी कि आप अपने सभी सिटिंग एमएलए को टिकट देंगे? भूपेन जी लॉकडाउन से हमारा संपर्क टूट गया। बहरहाल डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं, अब अगली बार के लिए हम आपको दे सकते हैं, हालांकि एक बार बता दीजिए अभी 53 सीटें बाकी हैं तो कोई गुंजाइश?
मेरे पास अभी 53 साल और हैं दोस्त। नहीं नहीं, मैं 54 सीटों की बात कर रहा हूँ। मुझे आप लोगों का स्नेह मिल जाता है, पार्टी ने बहुत दिया, और मेरी तो पहचान ही मीडिया के माध्यम से है, तो आप लोगों का वैसे ही मैं शुक्रगुजार हूँ। इसीलिए तो हम चाह रहे थे कि जी 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 विधानसभा में भी आप अपने तर्कों से विपक्ष को परेशान करते हैं अपने, लेकिन खैर उम्मीद पर दुनिया कायम है और आपको अगले चुनाव के उम्मीदें हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और शुभकामनाएं फिर हमारी ओर से। तो ये ठीक है सर, आपने देखा पूरी स्थिति, अब हम जरा विस्तार से चर्चा करते हैं। दो मंत्रियों के टिकट कटे, कहीं से विरोध की खबरें भी हैं, दो सांसदों को टिकट दे दिए गए हैं, एक मंत्री चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जता चुके हैं, कैलाश जी का भी डावाडोल स्थिति है। इन इन तमाम परिस्थितियों में जो लिस्ट आई है, आप मान रहे कि बहुत वाकई जितना बीजेपी कर सकती थी उतना ही कर पाया, बीजेपी आलाकमान कहना चाहिए? नहीं, ऐसा मुझसे पूछा कि जी जी आपसे आपसे। अच्छा अच्छा, नहीं मुझे लग रहा था, ये माना जा रहा था कि कम से कम आधे टिकट तो जरूर काटेगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ये जो जितने भी 176 उम्मीदवार ये डिक्लेयर किए हैं, इनके नाम देखने के बाद डॉक्टर साहब जरूर आशान्वित हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि इन नामों के सहारे, हालांकि अभी कांग्रेस के नाम आना बाकी है, तो इन नामों के सहारे 200 पार या 150 पार भी कर पाएंगे कि नहीं। रमेश जी मुझसे बोल रहे थे कि 150 पार होगा नहीं, मतलब थोड़ा स्पेसिफिक कि क्या आप चाह रहे थे कि और नए ज्यादा चेहरे आते? वही वही मैं कह रहा हूँ कि हम लोग ये मान के चल रहे थे, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हैं और जिस प्रकार की बातें हमें शाह जी की हमने सुनी थी, तो हमें लग रहा था कि कम से कम आधे टिकट तो जरूर कटेंगे सिटिंग एमएलए के, लेकिन ये कटे नहीं ऐसा लग नहीं रहा है। क्योंकि देखिए जो सीटें मंत्रियों की जो काटी भी हैं, तो हर सिंह के बेटे को दे दिया अपने, डॉक्टर शेजवार के बेटे को दे दिया, तो ये कटे हुए, आप सही कह रहे हैं, कटे हुए नहीं मानेंगे इनको, लेकिन जो भी सूची है उसमें ऐसी कोई बड़ी उम्मीद जगाने वाली बात नहीं। बीजेपी के पास ज्यादा ऑप्शन थे अगर पुराने विधायक जो अच्छे, हालांकि ऐसा किया है बीजेपी ने, जैसे गुना में पन्नालाल शाह के जीते थे, बड़े अंतर से जीते थे, उनका टिकट काट दिया, वो अपने विवादों बयानों को लेकर विवादों में रहे, वहां से गोपीलाल जाटव को टिकट दे दिया गया जो अशोकनगर की सीट छोड़ करके आए हैं। बीजेपी ने कई जगह रिस्क लिया है, लेकिन अगर दमदार चेहरे नहीं उतारेंगे तो बगावत का ज्यादा खतरा होता है, भीतरघात का ज्यादा या नाराजगी का ज्यादा खतरा रहता है। मुझे लगता है कि ये मापदंड नहीं रखा होगा कि कितने मार्जिन से जीते हैं, वो भी रखा ही होगा, लेकिन जिनके टिकट कटे हैं कंट्रोवर्सी के कारण कटे हैं या उनके बयानों के कारण कटे हैं या पार्टी के लिए जो उन्होंने भावनाएं व्यक्त की हैं उसकी वजह से कटे हैं, तो वो उचित ही काटे होंगे मुझे ऐसा लगता है। जी उसके लिए मतों का अंतर जो है बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता ऐसी स्थितियों के लिए। जी रमेश जी, जो के सर कह रहे हैं कि भाई और ज्यादा टिकट वर्तमान विधायकों को काटे जा सकते थे, क्या वो ठीक स्थिति होती तब बीजेपी के ऊपर क्या ये आरोप नहीं लगता कि आपने अपने वर्तमान विधायकों के टिकट काट दिए, इतने बड़ी संख्या में काट दिया, नहीं वो काम के नहीं थे, वो जीतने के दावेदार नहीं थे? या जी देखिए, ये बात सही है कि जो अपेक्षा थी या जो वातावरण था उसमें ये माना जा रहा था कि भाजपा युवाओं को और महिलाओं को अपेक्षाकृत ज्यादा अवसर देगी, जो युवाओं और महिलाओं के इसमें चेहरे या नाम हमको कम दिख रहे हैं, और जिन मंत्रियों के टिकट कटे हैं मैं इन चारों को टिकट कटा हुआ नहीं मानता, क्योंकि हर्ष सिंह बीमार थे, उनके लड़के को मिले ही है, शेजवार भी कह चुके थे कि भाई आप तो आप मेरे बेटे को दो लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव ना लड़ने की बात शेजवार भी कर चुके थे, और मीणा ने भी, सूर्य प्रकाश जी मीणा ने भी चुनाव ना लड़ने की बात कर दी है, माया सिंह जी भी कह चुकी थी कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना, हालांकि वो अपने बेटे के लिए मांग रही थी, आज बहुत बवाल हुआ है ना, वो लोगों ने किया जो कि वो बेटे के लिए टिकट मांग रही थी, लेकिन माया सिंह जी ने ये भी अवसर दिया, मतलब एक संकेत दिया था कि वो विधानसभा चुनाव तो नहीं लड़ेंगे लेकिन अगर पार्टी चाहे तो वो आगे चल करके राज्यसभा रही जा चुकी है पहले भी, हाँ वो रही है राज्यसभा में, तो कुल मिलाकर के उन्होंने भी मना कर दिया था। तो अगर ऑबलाइज नहीं किया गया है तो केवल माया सिंह को ही नहीं किया गया, तो लेकिन आज हम ये नहीं मान सकते कि माया सिंह जी को उन्होंने पर्दे से बाहर कर दिया है। आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव भी होना है, राज्यसभा भी बिल्कुल अप्रैल मई में, राज्यसभा के नाम भी यहाँ से जाना है, तब आगे चल करके माया सिंह जी को देखा जाएगा कि उसमें क्या किया जाता है। इसी तरीके से बाकी भी कई जगह, एक जगह उन्होंने प्रेम नारायण ठाकुर को बेटे की जगह उन्होंने पिता को टिकट दे दिया है, तो ये जो कई जगह समस्याएं आई हैं उन्होंने बहुत ज्यादा परिवर्तन किया नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस पर अब देखना ये है, अब निर्भर इस बात पर करेगा कि कांग्रेस के उम्मीदवार इनके मुकाबले कौन कौन आते हैं, उस आधार पर अब बहुत कुछ निर्भर करेगा।
लेकिन बीजेपी तो अपना दाम चल चुकी है, निश्चित रूप से है ना? दाम चल चुकी और बीजेपी ने अपने कई पुराने हारे उम्मीदवारों को फिर से टिकट दिया है, रिपीट किया है। इसके अलावा जो 53-54 सीट उन्होंने रोकी हुई है, ये अभी शाम को ये खबर आई थी कि उसमें से भी 10-12 लोगों को कुछ संकेत चला गया। अब संकेत वो चुनाव लड़ने का गया है कि टिकट कटने का गया है, अब ये पता नहीं है। जैसे ये संकेत शाम को मिला था तो संभवतः बाबूलाल जी गौर को भी कुछ संकेत हो गया है। अच्छा, और अभी उनको कहा गया है कि गुप्त रखें वो तो, अब लेकिन ये पता नहीं है कि वो संकेत क्या है, ये उनकी बहू को एडजस्ट किया है नहीं किया है। लेकिन कुल मिलाकर के जो या गौर साहब को कहीं राज्य गवर्नर बना करके भेजा जा रहा हो क्या है इस तरीके को, जो भी कुछ है, लेकिन कुल मिलाकर के उन पर भी धीरे धीरे सारे संकेत चले गए हैं। और इसी तरीके से इंदौर में भी 3-4 लोगों को संकेत कुछ चला गया है, तो वो अब देखना ये होगा कि कल तक इसमें क्या स्थिति बनती है। लेकिन ये आपकी बात सही है कि युवाओं को और महिलाओं के चेहरे की जो अपेक्षा भाजपा से थी वो चेहरे इसमें, और बल्कि महिलाओं के टिकट बहुत काटे गए हैं। जी हाँ, पारुल साहू का टिकट काट दिया गया। हाँ, जिस तरीके से संगीता चारेल का टिकट काट दिया गया। जी, रतलाम की हम बात करें तो माफी चाहूंगा मैं, रतलाम से हमारे सहयोगी अमित निगम जुड़ गए हैं, उसके बाद हम डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। अमित, टिकट ऐलान के बाद रतलाम में क्या हलचल, क्या स्थिति? देखिए, टिकट वितरण के बाद रतलाम में बहुत ही ज्यादा हलचल की स्थिति है। बीजेपी में लगातार बगावत की सूचनाएं आ रही है। अगर बात की जाए तो जावरा से राजेंद्र पांडे जो पहले भी विधायक थे उनका टिकट वापस से दिया गया उनको। उसके बाद श्याम बिहारी पटेल पिपलौदा नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इसी प्रकार सेलाना से संगीता चारेल का टिकट काट दिया गया और संगीता चारेल की जगह नारायण मेड़ा को टिकट दिया गया जो की जनता दल से शामिल हुए हैं। ठीक है, विरोध तो अमित हर जगह होगा, लेकिन उस विरोध का असर चुनावी नतीजों पर पड़ पाएगा इस बारे में आपसे मैं जरूर जवाब लूंगा। लेकिन पूनम सोलंकी जी जुड़ गए रतलाम से ही, जो नाराज हैं टिकट नहीं मिलने से। पूनम जी, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस कार्यक्रम सत्ता के संग्राम में। ये पूनम जी, क्यों आपको टिकट नहीं मिला, क्या लग रहा है आपको? ये टिकट नहीं मिला इसका कारण तो अभी मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब संगठन और पार्टी और लेवल पर काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया, इसका मेरे को सबसे ज्यादा विरोध है। हम पार्टी के सभी पदाधिकारी है, सभी लोग काम करते, एक नौकरी पेशा सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति को टिकट दिया गया, ये हमारे किसी भी व्यक्ति को ना किसी कार्यकर्ता को ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि ऐसे व्यक्ति को टिकट कैसे दिया गया। तो पूनम जी, आपको कोई वजह समझ में आ रही है, किसी नेता का वरद हस्त या और कोई आपके खिलाफ कोई दुश्मनी? अब किसी ना किसी का हाथ होगा, जब तो टिकट मिला है बिना आपको आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? आप भी राजनीति में है? मैं राजनीति में हूँ, पर ऐसा कोई खून के किसी का नाम मेरे सामने तो आ नहीं रहा है फिलहाल। अभी तो हम सभी पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, जैसे मथुरालाल जी अभी विधायक है और प्रमेश मेड़ा जी जिला पंचायत अध्यक्ष है, मंडी अध्यक्ष ये प्रकाश भगोरिया, ठीक नहीं, अगला कदम बताइए। ये सभी लोग, हाँ मैं बता रही हूँ आपको, और उसके बाद मैं जिला मंत्री हूँ और जितने भी सारे सरपंच वगैरह मंडी अध्यक्ष सभी से लोग हम मिलके अभी इस्तीफा दे रहे हैं पार्टी। अच्छा, नहीं लेकिन एक बार आप बात तो करती प्रदेश अध्यक्ष से, बात की है, कोई बात सुन नहीं रहा है अभी। अच्छा, और फोन लगाया है जिला अध्यक्ष जिससे हमने चर्चा की, जिला अध्यक्ष के पास हम सब जा रहे हैं अभी जावरा, और वहाँ से सभी लोग मिलके इस्तीफा दे रहे हैं। अगर ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाता है तो हम कैसे पार्टी में काम फिर करेंगे? नहीं, इस्तीफा देने के बाद आपका क्या कदम? बस अपना काम करेंगे, बैठेंगे। नहीं, चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? चुनाव देखते हैं, कार्यकर्ताओं से जो समझो बैठता है बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और जो भी आगे मैटर बनता है उस हिसाब से। लेकिन ये बताइए पूनम जी, आप कितने सालों से बीजेपी में है? मेरे को 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। अब टिकट नहीं मिलने की बात पर क्या एकदम से आपका पार्टी से मोह भंग हो जाना क्या ठीक है? नहीं, मोह बंद हो जाना ये ठीक नहीं है, पर ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है तो ऐसे में कैसे काम करेंगे? या तो हम भी स्वतंत्र रह के काम करते हैं और जब भी चुनाव आएंगे टिकट मांगेंगे जैसे हर व्यक्ति मांगता है। ये मेरा, यानी बीजेपी आप व्यक्ति को टिकट प्राप्त हो रहा है तो फिर इतना दबाव में रहकर काम करने से क्या मतलब? क्या मतलब है? लेकिन ये कांग्रेस बीजेपी के लिए तो ये कहा जाता है कि बड़ा अनुशासित कार्यकर्ता हो और कमल चुनाव लड़ता है और चेहरा नहीं लड़ता बल्कि कमल के लिए सब काम करते हैं। फिर हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार भी, आप में से कोई सवाल करना चाहेगा पूनम जी से? रमेश जी पूछिए। पूनम जी, चूंकि आप तो 20 साल की पुरानी कार्यकर्ता हैं और आमतौर पर भाजपा का मानना जाता है कि कैडर बेस्ड कार्यकर्ता हैं, उनको टिकट मिले ना मिले बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतने गुस्से में आ जाने का वजह क्या हो सकती है? गुस्से में आ जाने की मेन वजह एक ही है भाई साहब, आपको मैं बता रही हूँ कि जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया है वो सरकारी नौकरी में, उसने आज तक
झंडे को हाथ तक नहीं लगाया, ना झंडा उठाया है, ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया है, तो हमारा गुस्सा होना जाहिर है। तो आज हम पार्टी संगठन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, अगर उसमें से किसी भी व्यक्ति को टिकट दिया जाता तो हम लोग सब साथ में खड़े होके काम करते हैं। तो उसको पार्टी संगठन के साथ हम आज भी ठीक ठीक पूनम जी ठीक है जी। उसको टिकट मिलने का कारण क्या है, किस नेता ने दिलाया? उसका ना नाम था पैनल भाई, टिकट एकदम जो था ना हवाई टिकट आना, पैराशूट तो उसकी जानकारी ना मुझे है ना किसी कार्यकर्ता को, तो सभी कार्यकर्ता अभी बिल्कुल शॉर्ट में। आपको पूनम जी ऐसा तो नहीं लगता कुछ खरीद फरोख्त हुई है टिकटों की, ऐसा तो नहीं आपको लग रहा है पूनम जी? जी जी, ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कुछ खरीद फरोख्त हुई है टिकटों की? नहीं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई ऑफर आया नहीं, तो मुझे ऐसा कुछ लगता क्या नहीं हुआ क्या नहीं। अब ये जो है आप नहीं, तो पैराशूट वाले तो ऐसे ही आते हैं फिर। पैराशूट आप समझते हो, मैं क्या जानती हूँ, आपको तो मालूम ही। चलिए अब नहीं, अब क्या पार्टी छोड़ी तब तो खुल के आपको बोलना ही पड़ेगा जब। लेकिन अच्छा, फिर भी अगर आपको बोला गया कि नहीं रुकिए, आपके लिए बाद में सोचा जाएगा, कुछ करेंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं, मन बना ही लिया है। चलिए शुक्रिया पूनम जी, हमसे बात करने के लिए शुभकामनाएं। देखिए ये जो रमेश जी जो के सर कह रहे थे कि एक एक करके चीजें आ रही हैं सामने, और अगर इस तरह की खुली खिलाफत और पहले दिन बगावत हो जाएगी और 20 साल के कार्यकर्ता की अगर उपेक्षा होगी तो क्या कहेंगे आप? हाँ, निश्चित रूप से ये बात देखने की है कि जैसा कि उन्होंने पूनम जी ने बताया कि वो 20 साल की कार्यकर्ता हैं, और अगर पार्टी के कार्यकर्ता को किसी को भी टिकट मिलता तो सारे लोग एकजुट रहते, और जिन सज्जन को टिकट दिया है उन्होंने पार्टी का झंडा भी नहीं उठाया, ये उनकी शिकायत एक प्रकार से जायज है। अब लेकिन ये पार्टी का देखने का मौका है कि उन्होंने फिर इस तरीके से एकदम से हवाई, जिसको पैराशूट उम्मीदवार कह सकते हैं, जिसका कि अमित शाह जी ने बार बार कहा था कि कोई पैराशूट उम्मीदवार नहीं होगा, उसको क्यों टिकट मिला, उसकी वजह क्या है? ये कहा तो राहुल गांधी ने भी था, लेकिन वहां भी ऐसा लग रहा है कि वो सब पैराशूट से आधे उतरने हैं। ये तो को मिलेगी और ये शिकायत जो है न केवल ये रतलाम ग्रामीण से आई है, बल्कि इस तरह की बातें मध्य प्रदेश की और कई और हिस्सों से, खासतौर से मुगावली से आ रही है, बमोनी से, गुना से आ रही है, और कई अशोकनगर से आ रही है। लड्डूराम कोरी का विरोध हुआ था यहाँ पर बहुत ज्यादा, कार्यकर्ता आए थे भर के गाड़ी में, उसके बावजूद पार्टी ने उन्हीं को फिर टिकट दे दिया, जबकि कार्यकर्ताओं ने कहा था कि अगर ये उतरे तो हम फिर खिलाफत करेंगे। हाँ, तो ये जो है, मैं समझता हूँ भाजपा को इसमें थोड़ी सी कठिनाई तो जाएगी, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में बुनियादी अंतर है। भाजपा जब डैमेज कंट्रोल को करेगी तो 60-70% कंट्रोल कर लेगी, 20-30% बगावत तो नहीं। वो कह रहे फोन भी नहीं उठा रहे भाई, कोई बात ही नहीं सुन रहा है, किससे कहेंगे? नहीं, मुझे तो लगता है रमेश जी कि आप जो अभी कह रहे थे कि कांग्रेस युक्त होने का ये परिणाम है, तो लगता है कि कांग्रेस युक्त जो सत्ता के साथ जो बुराई आती है, उस सत्ता की बुराई साथ में आने के कारण ये कांग्रेस युक्त होने का ही परिणाम है। ठीक है, चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन भाजपा के बाद कांग्रेस से उम्मीद की जा रही थी कि पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। भूपेन जी संकेत दे रहे हैं कि देर रात नहीं तो कल सुबह, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 140 नाम लिखे रखे हैं दिल्ली में, बस साइन होके जारी होना बाकी, आधिकारिक पुष्टि कोई नहीं है, और इससे मन में सवाल भी उठ रहे हैं। अब एक नजर डालते हैं कि कौन कौन फिलहाल संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। एमपी में कांग्रेस कंफ्यूज, 140 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय, आधिकारिक ऐलान अब तक नहीं, आखिर किस बात का है इंतजार? बीजेपी ने शुक्रवार को 177 नामों की सूची जारी की, तो बीजेपी के जवाब में कांग्रेस ने भी तकरीबन 140 सीटों पर नाम तय कर लिए। हालांकि आधिकारिक तौर पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अब तक नहीं हुआ है, माना जा रहा है कि अब कभी भी कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। जानकारी के मुताबिक भोपाल से आरिफ अकील, रीवा से पूर्व विधायक अभय मिश्रा, रायसेन जिले के भोजपुर विधानसभा क्षेत्र से दिग्गज नेता सुरेश पचौरी, उदयपुरा से देवेंद्र पटेल, सांची से प्रभुराम चौधरी का नाम तय हो गया है। वहीं गोटेगांव से पूर्व मंत्री एनपी प्रजापति मैदान में उतरेंगे। काला पीपल की बात करें तो यहां से कुणाल चौधरी और सोनकच्छ से दिग्गज नेता सज्जन सिंह वर्मा का नाम फाइनल है। जोबट से कांतिलाल भूरिया की भतीजी कलावती भूरिया और थांदला से पूर्व विधायक वीर सिंह भूरिया के नाम पर मुहर लग चुकी है। वर्तमान विधायकों में विजयपुर से रामनिवास रावत और लहार से गोविंद सिंह उम्मीदवार होंगे। वहीं जिन विधायकों के नाम कटे हैं उनमें जतारा से दिनेश अहिरवार और सिरोंज से गोवर्धन का नाम है। सूत्रों के मुताबिक जतारा से दिनेश अहिरवार की जगह योगेंद्र अहिरवार को टिकट मिल रहा है, हालांकि ये संभावित नाम है। वाकई सूची में किस किस का नाम है और किस किस का पत्ता कटा है, इसका पता तभी चलेगा जब कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों के नाम आधिकारिक तौर पर घोषित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।
तो ये कांग्रेस की स्थिति है बड़ी कश्मकश वाली। क्योंकि सर आपसे जानना चाहूंगा, जो भूपेन जी बड़े कह रहे थे कि 27 विधायक आपने हटा दिए, उनको क्या पहले हार मान ली, लेकिन कांग्रेस के पास आपको क्या लग रहा है कि क्या सारे सिटिंग एमएलए को टिकट दे पाएगी? मुझे नहीं लग रहा कि सारे सिटिंग विधायकों को टिकट दे पाएगी, क्योंकि स्थितियां ऐसी हैं कांग्रेस में, कितना भी सर्वे करा लें राहुल जी और कितना भी कुछ करा लें, देखिए वहां तेरा मेरा बहुत चलता है, क्योंकि जितने दिग्गज नेता हैं, जितने धड़े बने हुए हैं, उन सब धड़ों का अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलाने का जो एक ख्वाहिश रहती है कि भाई मेरे ज्यादा जिम्मा है, बल्कि नहीं तो उनको कौन पूछेगा? जी हाँ जी हाँ, तो वो जो छत्रप है, उन छत्रपों की वजह से जो जितने भी सर्वे होते हैं, कांग्रेस में सर्वे बहुत होते हैं, लेकिन वो सब सर्वे जो है धरे के धरे रह जाते हैं। और वाकई जो राहुल जी ने कहा था कि पैरासूट से कूदे नेताओं को हम टिकट नहीं देंगे, लेकिन ऐसा होने वाला दिखता नहीं है। नहीं। हाँ। और ये रमेश जी आपसे भी स्थिति की, क्या ये लिस्ट देखने के बाद कांग्रेस कुछ फेरबदल करेगी अपनी लिस्ट में? हाँ, इस लिस्ट को देख करके वो कुछ फेरबदल उन्होंने जरूर की होगी, और मैं समझता हूँ खासतौर से भोपाल में भी उन्होंने संभाग में कुछ नाम बदले होंगे, रीवा में उन्होंने कुछ नाम बदले होंगे, और ग्वालियर संभाग में उन्होंने कुछ नाम बदले होंगे, और मैं समझता हूँ उनके यहाँ भी सबसे ज्यादा इंदौर में, हालांकि भाजपा ने पूरी सारी 7 सीटें रोकी हुई हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि भाजपा से ज्यादा इंदौर में कांग्रेस के भीतर झगड़ा है। तो भाजपा में 4 सीटों पर किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं जी, 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 इंदौर में, ये सुनने में ऐसा आ रहा है। सत्य तो खैर पार्टी वाले जाने, जो कुछ विवाद होना है वो 3 सीटों पर होना है, वो टिकट भी अगर बदलना है तो उन 3 में से ही बदलना है। तो कहने के, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस में ज्यादा झगड़ा है, एक पर एक, एक पे एक नेता वहां है। एक तो सगे, मतलब अगर आप देखें अश्विनी जोशी और महेश जोशी के बेटे भतीजे, और उनमें ही आपस में बहुत झगड़ा है। तो अतर सिंह महू में बहुत तरह का झगड़ा है, इंदौर क्रमांक 1 में झगड़ा बहुत ज्यादा है, इंदौर क्रमांक 3 में उनके यहाँ बहुत ज्यादा झगड़ा है। तो दो में भी है। हाँ, उनके यहाँ ज्यादा झगड़ा उनके यहाँ है। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस ने जो सीट रोकी होगी वो इंतजार कर रहे होंगे कम से कम ये इंदौर में कर दें, और इस सीट, ये सूची को देख करके कांग्रेस ने कुछ नामों में हेर फेर जरूर की होगी, इसीलिए इतना वक्त लग गया। मुझे लगता है जी जी रमेश जी जी, कि एक बार राहुल जी विदेश के लिए फ्लाई कर गए तो फिर शायद टिकटों में या जो भी तय हुआ होगा उसमें बदलाव करना मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसके बाद फिर बदलाव नहीं होगा। ये तो क्योंकि एक परंपरा सी है कि निचले स्तर पर सारा तय करके वो वरिष्ठ से जो मोहर लग गई है फिर वो उसी पर रहते हैं। देखिए बात वही है ना कि राहुल जी तो उन्हीं नेताओं की सुनेंगे जो लोकल लीडर हैं, कमल जाने वाले हैं विदेश से, फ्लाइट ठीक या तो रवाना हो गई होगी या थोड़ी देर में हो जाएगी जी, जो रिपोर्ट यहाँ से पहुंचेगी वही उस पर उनको मुहर लगानी, क्योंकि 230 प्रत्याशियों को पर्सनली नहीं जानते राहुल गांधी, ये तो आप भी मानेंगे। बहरहाल हमारे साथ वेद प्रकाश जी जुड़ गए हैं विदिशा से, हमारे सहयोगी हैं वेद प्रकाश। वेद प्रकाश, विदिशा में क्या स्थिति? हालांकि अभी 2 सीटों पर ही नाम का ऐलान हुआ, लेकिन हलचल क्या वहां पर? ये कि कांग्रेस के जो शशांक भार्गव है उन्होंने वो अपनी तैयारी शुरू कर दी है, और भारतीय जनता पार्टी का जरूर अभी फेरबदल होने का है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई दावेदार ज्यादा है, और कांग्रेस जो यहाँ पर चुनाव लड़ती है वो अमूमन देखा गया है कि कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव लड़ता है, और भाजपा का जो प्रत्याशी चुनाव लड़ता है वो पूरी पार्टी एकजुट होकर के चुनाव लड़ती है। नहीं नहीं ठीक है, अभी नहीं, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, जो लिस्ट नाम आए हैं उसके बाद क्या बीजेपी में कोई बगावत, कोई नाराजगी? नाराजी तो ये है कि अभी केवल अकेले शमशाबाद क्षेत्र के जो सूर्य प्रकाश मीणा है उन्होंने जो चुनाव ना लड़ने का ऐलान किया है, हाँ, उनका टिकट नहीं कटा है, उन्होंने तो खुद मना कर दिया था। हाँ, तो उसको लेकर के जरूर विदिशा में आज भाजपा कार्यालय में काफी प्रदर्शन हुआ। हाँ? लोगों का कहना है कि अगर वो उनको टिकट नहीं देते या वो चुनाव नहीं लड़ते तो वो सामूहिक इस्तीफा देंगे बड़े संख्या में, कई पार्टी कार्यकर्ता। इस तरीके का हंगामा जरूर हुआ है। नहीं, समर्थक क्या कह रहे हैं कि सूर्य प्रकाश मीणा को टिकट मिले? जी 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 जी। अच्छा, तो मीणा जी क्या समझा नहीं रहे अपने समर्थकों को कि भाई मैं खुद लेटर लिख के मना कर चुका हूँ चुनाव लड़ने से, या फिर ये कोई मीणा जी की ट्रिक है कि उनको नहीं तो उनकी मंशा से किसी को टिकट, या क्या चल रहा है इसके पर्दे के पीछे? ये भी हो सकता है, हार के डर से भी ये हो सकता है कि कारक समर्थक तो एक संख्या में है, निश्चित संख्या में, वो भले ही वो ये कह रहे हैं लेकिन कोई व्यक्ति कैसे मना कर सकता है, एक सिटिंग एमएलए है, मंत्री है, तो ये अच्छा। एक बड़ा मुकेश टंडन के नाम पर क्या स्थिति वहाँ? मुकेश टंडन के नाम पे बगावत तो होगी क्योंकि यहाँ पर नगर पालिका में जो
वो नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में उनका जो कार्यकाल रहा उसमें पूरे 36 पार्षद उनके विरोधी रहे हैं और उसको लेकर के अब धीरे धीरे स्थितियां क्लियर होंगी क्योंकि बगावत तो होगी। अच्छा, अब आखिरी में यहाँ पर मुख्यमंत्री सबको एक कर लेते हैं, वो कितना कर पाते हैं ये एक ठीक। राघव जी क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं राघव जी? राघव जी तो शमशाबाद के लिए लगे हुए हैं और राघव जी का नहीं, खुद के लिए, बेटी के लिए, बेटी के लिए, बेटी के लिए, ठीक, बेटी के लिए, ज्योतिषा के लिए। विदिशा में भी राघव जी का एक अच्छा कद है और वो भी कुछ बगा। लेकिन अब ये बताइए कि अगर शमशाबाद से ज्योतिषा को टिकट दे दिया तो फिर क्या और मुश्किल नहीं हो जाएगी बीजेपी के लिए? बड़ी मुश्किल होगी। रमेश शर्मा जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रकाश, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे जी। रमेश जी, वेद प्रकाश जी जरा ये बताइए कि दो दिन पहले तक सूर्य प्रकाश जी मीणा चुनाव लड़ने की दावा कर रहे थे, मीडिया को भी कहा और वो अपने समर्थकों के साथ यहाँ पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भी आए, फिर अचानक एक दिन टिकट घोषणा होने के एक दिन पहले उन्होंने चुनाव ना लड़ने की बात की है, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? इसके पीछे तीन चार कारण निकल के आ रहा है। एक तो हार का अभी संशय है, विरोध है जो स्थानीय पे अंदरूनी पार्टी में बगावत की बात एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरा एक जो सीवी कांड रहा है पहले उसमें भी कहीं कोई मामला ना उछल जाए, जितना उन्होंने शांति से अपना कार्य किया है वो शांति से बना रहे, आगे कोई नई प्रॉब्लम। एक मुझे ये बताएं क्या उन्होंने इसके पीछे अपने बेटे को आगे करने की बात भी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये वंशा बिल्कुल जाहिर की जा रही है कि वो नई पीढ़ी के लिए अपने बेटे को आगे लाना चाहते हैं, शायद ये भी एक कारण निकल। नहीं, लेकिन ये भी हो सकता है क्या वेद प्रकाश की राघव जी ज्योतिषा के लिए गए तो उसके बाद आला कमान ने कहा कि आप सीट छोड़ दिए ताकि दिक्कत ना आए ज्योतिषा को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कयास है, ये बिल्कुल सही, ये कयास भी लग रहा है। अच्छा, लेकिन अगर ज्योतिषा में या ज्योत्सना यादव जो कि कांग्रेस की वहाँ कैंडिडेट मानी जा रही हैं, इन दोनों में अगर लड़ाई हुई तो पलड़ा किसका भारी रहेगा? लास्ट ईयर की अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में ज्योत्सना यादव बहुत ज्यादा मतों से नहीं हारी थी और वो 3-4 हजार का ही अंतर था, बड़ा अंतर नहीं था, और उस हिसाब से देखें तो फिर वो लगातार क्षेत्र के संपर्क में है और कांग्रेस का पड़ला तो फिलहाल की स्थिति में तो भारी। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश पूरी बातचीत के लिए। तो ये विदिशा का हाल है जहां पर आज हम चर्चा करने वाले थे, लेकिन अभी स्थिति आपको समझ में आ रही कि बड़ी कश्मकश है। ग्वालियर चलते हैं सीधे, आज बड़ा सुर्खियों में रहा क्योंकि मंत्री माया सिंह का टिकट कटा है। हमारे सहयोगी विनोद शर्मा वहां से जुड़ गए हैं। तो विनोद, दिन की तस्वीरें तो हमने देखी लेकिन अभी शाम होते होते तक कुछ माहौल ठंडा हुआ है या फिर और जोर पकड़ रहा है? विनोद, माहौल तो लगातार जोर पकड़ रहा है क्योंकि जिस तरह से मंत्री माया सिंह का टिकट कटा है तो उनके जो समर्थक हैं और उनके जो नजदीकी लोग हैं उनमें काफी आक्रोश है। उनका कहना है कि मंत्री ने काफी काम कराए थे इलाके में और एक कद्दावर मंत्री है, ताकि साथ ही वो राजमाता है उस परिवार से है और उनकी भाभी लगती है और उनका इस तरह से टिकट काटना ये कहीं से नागवार गुजर रहा है लोगों को। उनका कहना है कि कम से कम अगर लश्कर ग्वालियर पूर्व से उनका अगर टिकट काटा है तो किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र, जैसा कि पहले कयास लगाए जा रहे थे कि ग्वालियर ग्रामीण से उनका टिकट हो सकता है, अगर उनका टिकट नहीं होगा तो उनके जो पति हैं मामा ध्यानंद सिंह जो पहले भी मंत्री रहे हैं बीजेपी में, उनको टिकट दिया जाना चाहिए था, तो दोनों को ही टिकट नहीं मिला और इनका टिकट कट गया। तो इसको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश है, लेकिन वो जो आक्रोश है वो ज्यादा तो नहीं देखा जा रहा, लेकिन उनके जो नजदीक के लोग हैं उनमें जरूर आक्रोश है। और अभी जिस तरह से 4 सीट पर जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं उसमें एक और काफी मायूसी का माहौल है रानी महल में जहाँ माया सिंह रहती है, वही जहाँ उनके टिकट काटकर और सतीश अग्रवाल को जो टिकट दिया गया है, काफी ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पटाखे चल रहे हैं और काफी समर्थक उनके पास मुड़ रहे हैं। तो माहौल ये देखने को मिल रहा है कि इस तरह से ग्वालियर में जो 3 टिकट थे वो तो पहले से निर्धारित थे उनको मिल सकता है, लेकिन माया सिंह के टिकट का कटने को पार्टी कार्यकर्ता कहीं हजम नहीं कर पा रहे अभी। हजम नहीं कर पा जी। के अग्नित्री सर हैं, विनोद वो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। विनोद, मैं ये जानना चाह रहा था, थोड़ा डिटेल में बताइए कि रानी महल का इस समय माहौल क्या है? देखिए, रानी महल में इस समय माहौल, चूंकि दिन में जैसे ही टिकट कटने की घोषणा हुई थी तो वहां लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी हो गया था, लेकिन अब पूरी तरह से कह सकते हैं कि सन्नाटा पसर गया है। जो कार्यकर्ता है वो पार्टी कार्यालय में पहुंचे हैं, वहां अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि माया सिंह है वो महल में नहीं है, उनसे जब पता लगाया गया तो वो बताया जा रहा है कि बाहर है। अब बाहर कहाँ है ये अभी किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। उनके जो समर्थक पहुंच रहे थे वो धीरे धीरे
जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा वो भी अपने अपने घर के लिए या पार्टी कार्यालय के लिए निकल गए। अच्छा, तो कह सकते हैं कि जहाँ जी जी मैं ये भी जानना चाह रहा था कि खुद माया सिंह जी का कोई रिएक्शन सामने आया है क्या? किसी तरह से माया सिंह का रिएक्शन सामने नहीं आया। कुछ बात करने की कोशिश की गई तो बात नहीं हो पाई। उनके जो यहाँ पर जिस तरह से उनके नियुक्त किए गए तो उन्होंने भी किसी तरह से कोई बातचीत नहीं करी। उनका कहना है ये पार्टी का फैसला है, और जब उनसे बात की गई कि आप बात करके बताएं कि क्या कहना है, तो उनका भी ये कहना था कि अभी ये कहा जा रहा है कि पार्टी का फैसला है, लेकिन मायूसी तो साफ तौर पर देखी जा रही है जिस तरह से टिकट काटा है। ये जी जी विनोद, ये समझना चाहेंगे कि सपा आंदोलन का गढ़ रहा, तो ये जो टिकट बंटवारे पर क्या उस आंदोलन की कुछ असर आपको नजर आ रहा है? देखिए, उस आंदोलन का असर तो नहीं कह सकते बंटवारे को लेकर, क्योंकि जिस तरह से अगर बंटवारा होता तो सबसे बड़ी बात है कि ना तो बीजेपी ने यहाँ पर किसी महिला को प्रतिनिधित्व दिया है और ना ही किसी ऐसे वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया है जो जिसका सपा कहीं ना कहीं सपोर्ट कर सके, क्योंकि जो रिपीट किए गए हैं चाहे मदन चाहे भारत कुशवाहा हो या फिर नारायण सिंह कुशवाहा हो या इसके अलावा जयवान सिंह पवैया हो, तो इनका तो पहले से ही विरोध होता रहा है, सपा विरोध करती रही है। लेकिन किसी भी जो माना जा रहा था कि हो सकता है कि भाजपा एक ब्राह्मण को प्रत्याशी बना सकती है ग्वालियर से, किसी से वो जो डैमेज हो रहा है सपा के द्वारा उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसा कोई प्रत्याशी उतार सकते हैं, तो वो भी देखने को नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं सपा का विरोध का खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा जो आने वाले समय बताएगा। और ये भी माना जाए, आप कुछ पूछना चाहेंगे ग्वालियर की स्थिति मोटे तौर पर? ये बीच में विनोद जी सुनने में आया था कि माया सिंह जी ने खुद कहा है कि वो नहीं लड़ेंगे, उनके बेटे या किसी को टिकट दे दिया जाए, इसमें कितनी सच्चाई है? ये जरूर इस तरह की खबरें जरूर निकल के सामने आ रही थी कि वो खुद उनकी मंशा थी कि टिकट उनको उनकी बजाय उनके पति ध्यानेंद्र सिंह को दिया जा सकता है या उनके बेटे को दिया जा सकता है, क्योंकि बेटे को इतनी अभी सक्रियता नहीं थी और ना ही इतना राजनीतिक कद भी था कि उनको टिकट देकर जिताया जा सकता था। लेकिन हाँ, ध्यानेंद्र मामा जो है उनको टिकट दिया जा सकता था, और चूंकि वो पहले भी जो अभी ग्वालियर ग्रामीण के नाम से जो विधानसभा है वो पहले मुरार विधानसभा थी, उनके पारंपरिक विधानसभा रही है जहाँ से वो जीतते रहे हैं पहले। जी जी ठीक है सर। विनोद, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो सपाक्ष आंदोलन का गढ़ रहा है और सपाक्ष भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट बांटी है उसमें फिर पुराने प्रत्याशियों को ही जो पहले से विधायक थे उनको भी टिकट मिल गया है, तो ऐसे में जो सपाक्ष की जो रिएक्शन जिस तरह से ग्वालियर क्षेत्र में जो सामने आया था उसका इनकी संभावनाओं पर कितना असर पड़ेगा जो उम्मीदवार खड़े किए? देखिए, उनपे असर तो लाजमी है, पूरी तरह से पड़ेगा, क्योंकि सपाक्स पहले से ही कह चुकी थी कि उनकी बात नहीं रखी जिन लोगों ने, उनका तो वो विरोध करेंगे। लेकिन एक बात और सामने आ रही है कि लश्करपुर में जहां दावेदारी कर रहे थे जयसिंह कुशवाहा, वो काफी कद्दावर नेता है, उनको यहाँ प्रभारी बनाया गया था जब शिवराज सिंह की आशीर्वाद यात्रा आई थी, हो सकता है वो कोई कल या परसों तक या कल दोपहर तक ऐसा कोई निर्णय लें जिससे एक कहा जा सके कि ये भी संभावना है कि सपा में वो जा सकते हैं, उससे चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरह की एक कह सकते हैं कि इस तरह की खबरें फैल रही हैं, और ये भी हो सकता है जिन लोगों का टिकट कटा है वो सपा की तरफ से भी रुख कर सकते हैं अपना, ठीक है। कहीं ना कहीं सपा का आंदोलन और सपा के जो लोग हैं उनसे प्रभावित तो सीटें होंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद इस पूरी बातचीत के लिए। और अब चलिए कि डिस्कशन और आखिरी दौर का, तो रमेश जी पहले आपसे कि ये जिस तरह से विरोध उठना शुरू हुआ है, कोई इस्तीफा देगा, कोई निर्दलीय चुनाव लड़ेगा, कोई भीतरघात करेगा पता भी नहीं चलने देगा, है ना, कोई किसी मंशा से था लेकिन, और हो सकता है इनमें कुछ फेरबदल हो भी जाए, तो ऐसे में बीजेपी की स्थिति आप क्या देख रहे हैं? आलाकमान के पास करने को बहुत कुछ था क्योंकि ये बीजेपी के लिए भी एक तरह से बहुत प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव है। देखिए, मोटे तौर पर ये बात सही है कि भाजपा के लिए बहुत प्रतिष्ठा का चुनाव है, वो चौथी बार सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं और कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ले देकर उनके 56-57 विधायक हैं। लेकिन फिर भी हर साल हर बार के चुनाव में जब भी इतने उम्मीदवार घोषित होते हैं, कई जगह बगावत होती है, कुछ लोग रूट करके घर बैठते हैं और कुछ लोगों को मनाने की कोशिश होती है, इस बार भी ऐसा का ऐसा ही होगा। लेकिन फिर भी अभी इन 177 लोगों को देख करके अभी दो टू कुछ कहा नहीं जा सकता, पहले ये सारी पूरी लिस्ट आ जाए और इस लिस्ट के साथ साथ में कांग्रेस की सूची आ जाए, तब हम दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों को लेकर के, क्योंकि इस बार के चुनाव में दीपेश जी खास बात यह है
कि किसी भी तरह की कोई लहर नहीं दिख रही है, लहर नहीं ना तो कांग्रेस के पक्ष में दिख रही है ना भाजपा के पक्ष में दिख रही है। तो जो भी इस बार का चुनाव होगा वो मेरिट के आधार पर चुनाव होगा, ये मेरिट सरकार के कामकाज की समीक्षा भी होगी, उम्मीदवारों का फेस कैसा है, उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनका कार्यकर्ता पर पकड़ कैसी है, इस बात पर भी निर्भर काम करेगा। तीसरा जो इस बार का चुनाव काम करेगा वो कार्यकर्ता कितना वोटर को घर से निकालता है इस पर भी बहुत सारा निर्भर करेगा, क्योंकि मोटे तौर पर आप देखेंगे भाजपा चूंकि इंधनों राजनीति के केंद्र में है, तो जो पार्टी राजनीति के केंद्र में होती है उसके खिलाफ वोट कितने कैंप में बैठते हैं। ये पहला ऐसा चुनाव है जहां की विरोध में आने वाले राजनीतिक दलों की संख्या बहुत है, देवगिनंदन की पार्टी भी आ गई है और सपाक्स भी आ गई है और जयस भी है और बहुत सारी दर्जनों पार्टियां हैं और पार्टियों का एक रिकॉर्ड बनेगा। तो भाजपा के खिलाफ जो वोट जाएगा वो इतने सारी चीजों में बटेगा, तो उस वोटों के विभाजन का भाजपा को कितना लाभ मिलेगा। अच्छा, ये सारी स्थिति उम्मीदवार को देखकर सर मुस्कुरा रहे हैं, उनका शायद कुछ और आकलन हो सकता है। लेकिन ग्वालियर से हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ गए हैं भगवान दास जी। भगवान दास जी, भगवान सिंह यादव जी हैं, माफ कीजिए, भगवान सिंह जी, माया सिंह जी का टिकट कटा है और जो प्रत्याशी घोषित हुए, हालांकि आप कांग्रेस से हैं और बीजेपी के चार नाम आ जाए ग्वालियर के, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी भगवान सिंह जी, फोन से हमारा संपर्क टूट गया जी। क्योंकि सर आप रमेश जी के कमेंट पे क्या कहें, वो कह रहे हैं कि जितना विरोधी विपक्ष वोट बढ़ जाता वो बढ़ जाएगा, आपका क्या आकलन है? नहीं, वैसे मुझे लगता है कि कोई भी समझदार मतदाता जेएस को या सपाक्स को या किसी और ऐसे संगठन को अपना वोट दे करके उसे भी पता है कि ये वोट मेरा किसी काम का नहीं है, कोई कूड़े में नहीं डालना चाहेगा। जो भी विरोध में यदि कोई है भारतीय जनता पार्टी के या नीतियों के या केंद्र सरकार की नीतियों के, तो वो ऐसे उम्मीदवार को देना चाहेगा जो जीत सके। ठीक, हारने वाले कैंडिडेट को केवल टिकट वोट बांटने के लिए और भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को उसका लाभ पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी कोई समझदार मतदाता ऐसा नहीं कर सकता। और मेरी समझ में तो आजकल हर मतदाता बहुत जागरूक है, राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है और उसे पता है कि मेरा वोट कहां जाना चाहिए। बिल्कुल, तो चलिए, ये बीजेपी ने पहला दांव चला है और कहें कि औपचारिक रूप से अब मध्य प्रदेश में चुनावी आज मुहूर्त भी हुआ है नामांकन भरने का, कुछ नामांकन भरे भी गए, तमाम चीजें शुरू हो गई हैं, लिस्ट जारी होने का सिलसिला शुरू हो गया है और कितने सारे दल हैं इस बार, सपाक्स भी है और आम आदमी पार्टी है, बसपा, सपा, गोंगपा, सभी दम ठोक रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा वाकई इस सत्ता का संग्राम, बल्कि सत्ता का महासंग्राम इसे कहना चाहिए, जिसमें फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक लिए, कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद भी ये मैराथन चर्चा चलती रहेगी और एक बार फिर हम विश्लेषण करेंगे कि क्या बीजेपी कहीं चूक कर रही है, क्या बीजेपी कुछ रिवाइज कर सकती है और ये जो आवागमन का सिलसिला चल रहा है क्या फायदे में जाएगा या फिर इसका नुकसान दोनों पार्टियों को उठाना पड़ सकता है, चर्चा जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। गोल्डी और पेटीएम, स्वाद भी कैश भी। गोल्डी मसाले के चुनिंदा पैक के साथ 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए का पेटीएम कैशबैक। गुस्सा आता है मुझे जब मुझे मेरी फसल का पूरा दाम नहीं मिल पाता है। गुस्सा आता है जब मंडी पर बैठा वो बिचौलिया मेरे पैसे खा जाता है। गुस्सा आता है जब कर्ज के बोझ में दबा एक किसान मौत को गले लगाता है। गुस्सा आता है जब मुआवजे के लिए मुझे हाथ फैलाना पड़ जाता है। गुस्सा आता है जब मेरे किसान भाइयों पर कोई गोली चलवाता है। मैं भी मध्य प्रदेश का किसान हूं और अब मुझे भी इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का।
रूप मंत्रा फेस क्रीम में है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो स्किन में अब्सॉर्ब होके उसे अंदर से निखार देती है ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी हो जाए। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तुम मिलते रहो काटे रहो से हम चलते रहे आगे यूं ही, तुम रोशन करते रहो घर घर हम पढ़ते रहे दादा यूं ही, दादा यूं ही, दादा यूं ही, तुम पहिए देते रहो हमें हम पाते रहे मंजिल यूं ही, तुम हौसला देते रहो हम होते रहे सफल यूं ही। कमल खिलेगा फिर इस बार, फिर से बने दमन सरकार, मोदी जी का साथ है कमल संत विकास है, फिर से रमन फिर से कमल, कमल खिलेगा फिर इस बार, फिर से बने दमन पर विश्वास, कमल संत विकास, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। रूप मंत्रा फेस क्रीम में है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो स्किन में अब्सॉर्ब होके उसे अंदर से निखार देती है, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये गतिविधि किसी भी व्यक्ति के जीवन को अर्थ देती है, इसलिए ये व्यक्ति डिफरेंटली एबल्ड या दिव्यांग कहे जाते हैं। ऐसी सूरत में दिव्यांगों को कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कि वो अपने मतदान का प्रयोग नहीं कर सकते। उन्हें इस बात का अधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति की तरह मतदान करें। ये अधिकार उन्हें संविधान ने दिया है। इस बार के चुनाव में उन्हें मतदान केंद्र तक ले जाने और आसानी से वोट डालने के लिए एक दिव्यांग मित्र की व्यवस्था की गई है। ये मित्र दिव्यांग को मतदान केंद्र तक ले जाएगा। नेत्रहीन दिव्यांग को ब्रेल की सहायता भी मिलेगी। साथ ही दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान केंद्र तक लाने एवं वापस छोड़ने के लिए वाहन की व्यवस्था निर्वाचन आयोग द्वारा की जाएगी। मतदान केंद्रों पर उचित रैंप बनाए जाएंगे एवं व्हीलचेयर भी उपलब्ध कराई जाएगी। दिव्यांग मतदाताओं को सुगम मतदान के लिए सांकेतिक भाषा एवं प्राथमिकता से पास जारी किए जाएंगे जिससे उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। निसंकोच, बेझिझक, निडर रहें, सुविधाओं के साथ सुगम मतदान करें। आइडिया है मेरे पास। अखबार छपने की डेडलाइन खत्म हो रही है और तुम लोग बैठकर बातें कर रहे हो। बातें नहीं सर, दरअसल मिलिंद अपना आइडिया शेयर कर रहा था। कोई इफेक्टिव आइडिया? हाँ सर। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में इतनी देरी क्यों करना? भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव, मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। बनी रहे खुशियां यूं ही, भरी रहे झोली यूं ही, ताकत हो सपने यूं ही, सरकार हो अपनी वही। कमल खिलेगा फिर इस बार, फिर से बने रमन सरकार, संत शिखर खुशहाल है, कमल संत विकास है, फिर से रमन फिर से कमल, कमल खिलेगा फिर इस बार, फिर से बने रमन पर विश्वास, कमल संघ विकास, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। रूप मंत्रा फेस क्रीम में है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो स्किन में अब्सॉर्ब होके उसे अंदर से निखार देती है ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी हो जाए। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। गुस्सा आता है जब मासूम बच्चों को हैवानियत से नोचा जाता है। गुस्सा आता है जब आए दिन अखबारों में लुटती आबरू का जिक्र आता है। गुस्सा आता है जब मध्य प्रदेश का नाम महिला अत्याचार में सबसे ऊपर आता है। मैं मध्य प्रदेश की नारी हूं और अब मुझे भी इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का।
मेम साहब, मुझे कल आधे दिन की छुट्टी चाहिए, कल वोटिंग करने जाना है। अरे चुनाव से तुम्हारा क्या लेना देना, तुम क्या करोगी वोट देके? मैं देश की नागरिक हूँ और मुझे वोट देने का पूरा अधिकार है। बड़ी समझदार हो तुम। चलो ठीक है, कल पूरे दिन की छुट्टी ले लेना। विधानसभा निर्वाचन 2018 में अपना कीमती वोट देकर इस देश के नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं। वोटर्स लोकतंत्र की जान है, हर किसी को वोट देने का समान अधिकार है। देश के विकास के लिए, हमारे आज और आने वाले कल के लिए, याद रखें आपका वोट अमूल्य और कीमती है, इसे जाया ना करें। रूप मंत्रा फेस क्रीम में है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो स्किन में अब्सॉर्ब होके उसे अंदर से निखार देती है। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बुकिंग मिल जाती है साहब? बुकिंग तो बहुत हो जाती है, लेकिन सारा बेनिफिट बाहरी कंपनियां ले जाती हैं। सोच रहा हूँ कि आइडिया भाजपा को दूं। कस्टमर से जोड़ने वाली ऐप गवर्नमेंट खुद बना दे ताकि हमारा बेनिफिट हमारी जेब में रहे। बहुत अच्छा आइडिया है, तो फिर समृद्ध एमपी बनाने में देरी क्यों करना? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। आए तो साथ देना यूं ही, दर्द के बादल छाए तो छत बन जाना यूं ही, अंधेरे समंदर में प्रकाश स्तंभ बनना यूं ही, पूछे कोई क्या मत तेरा बेझिझक कहना यूं ही। कमल खिलेगा फिर इस बार, फिर से बने रमन सरकार, छत शिखर खुशहाल है, कमल संत विकास है, फिर से रमन फिर से कमल, कमल खिलेगा फिर इस बार, फिर से बने पर विश्वास, कमल संघ विकास, कमल का बटन दबाए, भाजपा को जिताए। गुस्सा आता है जब इस महंगी डिग्री के बावजूद मुझे नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। अरे गुस्सा आता है जब स्टार्टअप कॉन्क्लेव, स्वरोजगार योजना और इन्वेस्टर समिट में रोजगार का झूठा वादा किया जाता है। आज भी याद है मुझे, हाथ जोड़कर कर्ज लिया था पापा ने, सोचा था नौकरी करके उनका बोझ हल्का कर दूंगा, पर आज खुद ही बोझ बन गया हूँ। मैं मध्य प्रदेश का युवा हूँ और रोजगार के झूठे वादे करने वाली इस भाजपा सरकार पर अब मुझे गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। यार तू 28 नवंबर को क्या कर रही है? यार अब हम 18 के हो चुके हैं, पहली बार कुछ करने का अधिकार मिला है। मैं तो वोट देने जाऊंगी, और तू क्या करेगी? मैं भी तो साथ चलूंगी वोट देने। चलो वोट देने चलें। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। तो ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में जो 177 सीटों पर ऐलान हुआ, फिर बीजेपी ने कहा कि एक सीट पर हमने होल्ड कर लिया है यानी 176, और उनको लेकर जो हंगामा मचा है उसका हाल हमने आपको बताया, किस तरह से ग्वालियर से लेकर तो रतलाम तक कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, कई जगहों पर बगावत के सुर फूट पड़े हैं। और अब इस सेगमेंट में हम एक नए पैनल के साथ चर्चा करेंगे कि इन नामों के ऐलान के पीछे वजह क्या रही, क्यों बीजेपी को काफी विरोध के बावजूद कुछ पुराने चेहरों को टिकट देना पड़ा, क्यों बीजेपी को अपने 20 साल पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करते हुए किसी नए चेहरे पर दाम लगाना पड़ा है, क्यों निर्दलियों को पार्टी में लेकर के जो आपका जमीनी कार्यकर्ता था उसकी उपेक्षा करनी पड़ी है, आखिर इसके पीछे वजह क्या रही और इंदौर में क्या घमासान मचा हुआ, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार फिर जो दिन की बड़ी खबर रही कि बीजेपी ने नामांकन के पहले दिन अपने 177 उम्मीदवारों की सूची जारी की और इसमें कई मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जरूर हैं, लेकिन 53 सीटों पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। एमपी बीजेपी की 53 सीटों पर सस्पेंस बरकरार, गौर और सताज के भाग्य का फैसला बाकी, पहली सूची में 177 नामों का ऐलान, कई दिग्गजों का कट गया पत्ता, पर बोले मुनमुन को मिला टिकट,
बीजेपी ने विधानसभा चुनावों के लिए बहुप्रतीक्षित अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करती है। पार्टी ने इस लिस्ट में अपने 177 उम्मीदवारों की घोषणा की है। पहली सूची में लगभग 33 विधायकों के टिकट कटे हैं। कई महिला विधायक भी इस लिस्ट में अपनी जगह नहीं पा सकी। लिस्ट में सबसे बड़ा झटका लगा है शिवराज सिंह चौहान सरकार में मंत्री माया सिंह को, जिनका टिकट काट दिया गया। बीजेपी ने माया सिंह की जगह पार्षद सतीश सिकरवार को मैदान में उतारा है। माया सिंह ग्वालियर पूर्व से चुनाव लड़ती आ रही हैं। माया सिंह के अलावा गौरीशंकर शेजवार का भी सूची में नाम नहीं है, लेकिन शेजवार की जगह उनके बेटे मुदित शेजवार को सूची में जगह दी गई है। इसी तरह रामपुर भगेलान में राज्य मंत्री हर्ष सिंह की जगह उनके बेटे विक्रम सिंह को मैदान में उतारा गया। जीपी में शामिल हुए 3 निर्दलीय विधायकों सुदेश राय सीहोर से, मुनमुन सेन सिवनी और कल सिंह भावर झाबुआ से बीजेपी प्रत्याशी बनाए गए हैं। वहीं प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधनी सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले माना जा रहा था कि वे किसी और विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें कि राज्य में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। इसमें 177 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है, मतलब अब 53 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों का फाइनल होना अभी बाकी है। बड़ा सवाल यह भी है कि पार्टी के वयोवृद्ध नेता बाबूलाल गौड़ और सरताज सिंह का क्या होगा। फिलहाल देखते हैं कि बची हुई 53 सीटों पर बीजेपी किसे मैदान में उतारती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुराज एक्सप्रेस। चलिए तो सत्ता के इस महासंग्राम के दूसरे चरण की चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। स्टेट ब्यूरो हेड हैं हमारे अनिल सिंह कुशवाहा जी। अनिल जी आपका स्वागत है, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के एस शाइनी जी, मैम आपका स्वागत है। सबसे पहले शाइनी जी, आप ही का कमेंट में लेना चाहूंगा। इस 5 साल की योजनाओं, उनके दावे, 15 साल के विकास कार्य, उसके बाद ये लिस्ट जो आई है बीजेपी की, 53 नाम फिर भी रोके गए, लबो लुआब आप क्या देख रही हैं? ये लिस्ट सबसे बेहतर या इसमें भी कुछ और अच्छा हो सकता था? ये जिस तरह से बीजेपी ने ये कहा था कि हम जो है पैराशूट से जो उतर रहे हैं जो नेता, उनको टिकट नहीं देंगे, या जो जमीनी कार्यकर्ता उनको टिकट देंगे, तो वो शायद इसमें नहीं दिख रहा है। कांग्रेस के जो मतलब चंद दिन पहले जो आए थे अपने द्विवेदी जी, भूपेन द्विवेदी चंदेरी सीट से, जो सिंधिया जी के काफी खास हैं, उनको टिकट दे दिया है वहां से। और वैसे इंडिपेंडेंट है दिनेश राय जी, तो उनको टिकट मिला है, जो कि वो भी कुछ दिन पहले ही ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी में। और इसके अलावा जो दिग्गज नेता थे बीजेपी के, जैसे आर डी प्रजापति हैं, उनका टिकट काट दिया है, हालांकि उनके बेटे को दिया गया, दे दिया टिकट वैसे। और लेकिन मुंगावली सीट से हम देख रहे हैं वो भी डॉक्टर केपी यादव जो है वो भी सिंधिया जी के खास समर्थक थे, कुछ महीने पहले उनको भी टिकट मिल गया। यानी आपको क्या लग रहा है कि आज रतलाम में जो हालात बने, वो कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी वाले को आपने टिकट दे दिया, 20 साल से हम झंडा डंडा उठा रहे थे, आप वो इस्तीफा दे ही दिया उन्होंने। हमारे साथ कुछ ही देर पहले जुड़ी थी पूनम सोलंकी। इन स्थिति में आप क्या देख रहे हैं, बीजेपी के लिए अच्छी स्थिति है, खराब स्थिति है? बिल्कुल सही बात है। देखो, अब लोकल ने जो लेवल पे जिनने काम किया है पार्टी के लिए, और आप उनको दरकिनार करके बाहर से जो आते हैं उनको टिकट देंगे, तो वहां पे नाराजगी तो होगी ही। अब बीजेपी उसको किस तरह से संभालती है ये तो आगे देखने को आएगा, लेकिन एक नाराजगी तो पार्टी वर्कर्स के अंदर जरूर रहेगा, क्योंकि काफी मेहनत से वो वहां पे लगे हुए थे अपने क्षेत्र में काम अपना दिखाने के लिए, और उनको दरकिनार करते हुए पार्टी ने बाहर के लोगों को टिकट दिया है, जो कि काफी चौंकाने वाली बात है। बीजेपी ने हमेशा इस बात को कहा है कि हम अपने लोकल नेताओं को वो स्थान देंगे टिकट में, और बाहर से जो पैराशूट से उतर के आएंगे उन नेताओं को नहीं मिलेगा। और उसके विपरीत आज जो देखने को आया है, 4-5 नेता ऐसे हैं जो कि बाहर से आके एकदम टिकट लिए हैं। और कांग्रेस में भी ये होगा, जो राहुल जी कह गए थे अभी तक मतलब लिस्ट ही रिलीज नहीं हो पा रही है। हाँ। क्योंकि इतना नहीं, वो यही इंतजार में है कि कौन कौन बीजेपी छोड़ करके आ रहा, तो फिर अपनी लिस्ट फाइनल करें। आपको लग रहा है इसीलिए रुकी हुई है? ये भी हो सकता है टिकट वैसे। अब देखिए, पंकज प्रेमचंद गुड्डू आज ही आए हैं, वो गुड्डू आज कांग्रेस बीजेपी में ज्वाइन कर लिया उन्होंने, और उन्होंने ये लगाया है चार्ज कि कांग्रेस जो है वो एससी एसटी को पूरे तरह से दरकिनार कर दिया, और इस बार जितने सीट मिले उतने भी कांग्रेस को नहीं मिलेंगे, क्योंकि कांग्रेस जो है एससी एसटी के बिना नहीं जीत सकती।
और बीजेपी में एक और चीज देखने वाली बात है, जितने भी ये संत समाज के लोग हैं उनको भी काफी अहमियत दिया है, हो सकता है सपा के वजह से इन्हें ये निर्णय लिया है। जी उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन रतलाम से सहयोगी अमित निगम जुड़ गए। अमित, पूनम सोलंकी ने साफ कह दिया कि अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं, कोई समझाइश का वक्त नहीं, सीधे इस्तीफा, तो क्या इस वक्त स्थिति क्या है वहां पर? पूनम सोलंकी ने जिस प्रकार से अपनी घोषणा कर दी कि सीधे इस्तीफा देंगी और उसके बाद अपना कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के बाद अपना निर्णय तय करेंगी, उसके बाद पूनम सोलंकी ने यह भी कहा है कि रतलाम ग्रामीण के विधायक मथुरालाल डामर ने भी बगावत कर दी है। मथुरालाल डामर, उसके अलावा जिला पंचायत के अध्यक्ष परमेश मेहड़ा, उसके अलावा मंडी के अध्यक्ष प्रकाश भगोरा उनके साथ हैं, उसके साथ कई सरपंच सरपंच वहां पर इस्तीफा देने जावरा जा रहे हैं, जो कि कान सिंह चौहान जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनको इस्तीफा दिया जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं बगावत बहुत बड़ा स्वरूप लेती जा रही है। जी ठीक, हमें साथ मिलेगा, हमारे साथ बीजेपी के नेता जो नाराज हो गए पार्टी से, श्याम जी जुड़ गए इस वक्त फोनलाइन पर। श्याम जी, क्या लग रहा है आपको, क्यों आखिर आपको टिकट नहीं मिला या जो टिकट वितरण हुआ, क्यों नाराज हैं आप? जी श्याम जी, लगता है श्याम जी से हमारा संपर्क टूट गया है। ये अनिल जी, पहले तो एक कमेंट आपका, क्योंकि काफी इंतजार किया जा रहा था और धड़कन बढ़ाने वाली जो पहली लिस्ट आई है, कितना प्रभावित की है लिस्ट आपको? देखिए दीपेश जी, बीजेपी ने जो सर्वे करवाया था उस सर्वे में बहुत सारे विधायकों के खिलाफ माहौल दिखा था, एंटी इनकम्बेंसी सरकार से ज्यादा चेहरों से ज्यादा नजर आ रही थी। उस दृष्टि से बीजेपी ने उतने टिकट नहीं काटे जितने उनको काटने चाहिए। ठीक है, कहा जा रहा था आधे से ज्यादा टिकट बीजेपी 80 तो माना जा रहे थे, माना जा रहा था, लेकिन जब पहली लिस्ट आई तो उसमें लगभग 3 दर्जन विधायकों को नहीं रिपीट किया गया है, उनके टिकट काटे गए हैं। एक बात और ये आ रही थी, आपने देखा होगा इस बार एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट इस लिस्ट में नजर आ रहा है। अजय शाह और संजय शाह को हम छोड़ दें, ये दोनों सिटिंग एमएलए हैं तो इस लिहाज से उनको दे दिया, लेकिन नए को मौका नहीं दिया। अगर यहां सतपाल सिकरवार का टिकट काटा है तो उनके भाई सतीश सिकरवार को माया सिंह के स्थान पर टिकट दे दिया गया है, पार्षद थे हालांकि वो सीधा उनको जंप विधायक का टिकट दिया गया है। इसी तरह अगर सेजवार जी ने चुनाव लड़ने से इंकार किया था, जो अपने बेटे को चाहते थे, तो बेटे को टिकट दिया गया है। यहां पर तो ये बात हो सकती है कि आप परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जी एक बात और दीपेश जी, इस पूरे सिनेरियो में हमको जो समझ में आई, जो बीजेपी और संघ के सोर्सेस से हमको पता चल रहा है, कार्यकर्ताओं को लेकर बीजेपी और संगठन काफी चिंतित था, क्योंकि यह माना जा रहा था कार्यकर्ता काफी डेमोलाइज है, जो चना सत्तू लेके काम करता था आज से 15 साल पहले, जिसने सरकार बनाने के लिए अपना घर फूंक कर सरकार बनाई थी, पूरा एड़े चोटी का जोड़ लगाया था, अब वो कार्यकर्ता ही ज्यादा हताश निराश नजर आ रहा था। आपने देखो अमित शाह जब भोपाल आए थे तो उन्होंने इस बात को फोकस किया था कि संगठन के सारे चुनाव लड़ेंगे, ये झलक इसमें सूची वितरण में दिख रही है, जो 176 जो टिकट है उसमें नजर आ रही है। संघ का कहीं दबदबा दबाव भी इसमें नजर आ रहा है, वो इस लिहाज से क्योंकि कार्यकर्ताओं को महत्व देने की बात है। बीजेपी 2018 के विधानसभा के चुनाव के साथ साथ 2019 को भी थोड़ा साथ का चली, क्योंकि ज्यादा अंतर नहीं है, 4-5 महीने का अंतर रहेगा, तो जो संघ की रणनीति है जो 29 लोकसभा सीट के हिसाब से, यानी कि हर एक लोकसभा सीट में जो जितने भी विधानसभा है उसमें एक विधानसभा में कार्यकर्ता को तवज्जो दिया गया, चाहे वो संघ का कार्यकर्ता हो या बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता पुराना कार्यकर्ता हो, यानी 29 टिकट तो इस 230 में ऐसे रहेंगे जो संघ के कहने पर कार्यकर्ता को दिए जा रहे हैं, और 176 की जो सूची है उसमें ये झलक दिख भी रही है। अच्छा, ये दो सांसदों को टिकट देने का क्या मतलब? पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था, मनोहर ऊंटवाल को आप विधानसभा चुनाव लड़ाते हैं, फिर लोकसभा लड़ा देते हैं, वो यहां से इस्तीफा देकर वहां चले जाते हैं, इस बार भी यही, फिर वो सांसद हैं उनको विधानसभा का चुनाव, यानी ये क्या इसे हुआ वो की स्थिति कहें, चेहरे नहीं मिल पाना कहें, या क्या कहें? अरे दीपेश जी, बात तो 10 सांसदों की हो रही थी, क्योंकि 10 सांसद को टिकट देने वाले थे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऐसी बात आई, तो अंत में 2 सांसदों को टिकट दिया गया। हालांकि अभी 53 में और हो सकता है 2-5 को मिल जाए। हाँ संभव है, जैसे डॉक्टर भागीरथ प्रसाद का नाम चल रहा था कि उनको गोहद से दिया जाएगा, लेकिन लाल सिंह आ चुके, एसटीएससी का एक बड़ा चेहरा बीजेपी घोषित कर चुकी थी, मान चुकी थी, प्रोजेक्ट कर रही थी, तो ऐसे में लाल सिंह आर्य को ही महत्व दिया गया, और यहाँ भागीरथ प्रसाद का आप कह सकते हैं अब संभावनाएं खत्म हो गई हैं। आगर मालवा में निश्चित तौर पर विधायक और सांसद दोनों के बीच में लगातार झगड़े चले आ रहे थे, और जो सांसद थे वो पहले विधायक ही थे और सीट खाली करके वो सांसद बने थे, और निश्चित तौर पर अब वो चाहते हैं, चूंकि उनको विधायक का टिकट दिया जाए, मंत्री पद वो चाहते हैं, ये संभावना है, वो लेकर चल रहे हैं, और सांसद निश्चित तौर पर एक वजनदार बड़ा चेहरा होता है, तो ऐसे में बीजेपी चूंकि कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, ये कांटे का मुकाबला है, और जिस 15 साल में पहली बार कांग्रेस
इतनी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है और इतनी बैकफुट पर बीजेपी नजर आ रही है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर कोई सीट बीजेपी खोना नहीं चाहती, इस डर के कारण डर डर के बीजेपी ने अपने सांसदों का सहारा लिया है। नहीं तो होता क्या, विधायकों को इस्तीफा दिलाकर बीजेपी सांसद लोकसभा में भेजा करती है, यहां उल्टा हो रहा है, लोकसभा से इस्तीफा स्वागत 5 मिनट चुनाव है तो उनको विधायक का मौका दे रही है। ठीक है शैनी जी, ये महिलाओं के इस बार बहुत कम टिकट काटे, यूं कहें कि पिछली बार के तो महिलाओं के टिकट काटे गए, इस बार बहुत कम मिले हैं, क्या जो बात की जाती है 33% आरक्षण की, यही नहीं है आरक्षण? तो हाँ, इसमें जितने सीट दिए हैं महिलाओं को उस तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, जहां बीजेपी हमेशा कहती रही कि वुमेन एम्पावरमेंट, लेकिन अब सीटों में अगर देखें तो वो चीज बिल्कुल नहीं झलक रही है। ज्यादा टिकट नहीं काटे, वैसे माया सिंह के टिकट काटे नहीं, इसमें सुर्खी से पारुल साहू थी उनका टिकट कट गया, संगीता चारेल का टिकट कट गया, सिमरिया विधायक थी हालांकि उनके पति जो कांग्रेस में चले गए तो वो इस वजह से उनका टिकट कटा, लेकिन कई महिलाओं के टिकट कटे हैं और अभी भी 53 में हो सकता बहुत महिलाओं के टिकट कट जाए। 56 में 16 टिकट हैं महिलाओं के, 10% है जी। ठीक, मैं एक मिनट आपसे इसका जवाब लूंगा। हमारे साथ श्याम जी जुड़ गए एक बार फिर रतलाम से, जो कि नाराज हैं टिकट वितरण से। श्याम जी स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में, क्या नाराजगी आपको? नाराजगी नहीं है, आम कार्यकर्ता की नाराजगी है, आम मतदाता की नाराजगी है। मतदाता और कार्यकर्ता ने सर्वे में अपना मत दिया था, उससे विपरीत पार्टी ने फैसला किया है, वो कार्यकर्ता से नाराजगी है। अच्छा, पटेल साहब आपके हिसाब से किसे टिकट मिलना चाहिए था? पटेल साहब हाँ, थोड़ा नेटवर्क में आप आइए, थोड़ी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही सही से जी। पटेल साहब बोलिए, पटेल साहब थोड़ा सा नेटवर्क में आइए, हम आपसे फिर चर्चा करेंगे। ये कह रहे हैं आम कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, लेकिन अब ये भी आम ही कार्यकर्ता थे, लेकिन ये अनिल जी देखिए क्या हो रहा है, जो पैराशूट की हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, एक चंद घंटे पहले आ रहे हैं गुट्टू जी, उनको टिकट मिल जा रहा है। रतलाम की स्थिति आपने देखी, कई ऐसे नाम है, शरद कौल आए उनको टिकट, ये बीजेपी की क्या, यानी इससे क्या हम अंदाजा लगा कि बीजेपी के पास वाकई चेहरे नहीं थे, या फिर केवल यही चल रहा है कि कमलनाथ जी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कह चुके कि हम तो बस जीतने वाला चेहरा देखेंगे, कहीं से आए कैसे आए, ये क्या बता रहा है? देखिए दीपेश जी, ये कार्यकर्ताओं को बहलाने वाली बातें हैं कि जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे, लेकिन सही मायने में जो जीत सकता है, जो विरोधी खेमे में हलचल मचा सकता है, जो धनबल और बाहुबल जिसके पास ज्यादा है, दोनों ही पार्टियां इसको महत्व दे रही हैं, और यही कारण है आप इस सिनेरियो में देख रहे हैं, जो 4-5 पैरासूटी बीजेपी के 176 की लिस्ट में नजर आ रहे हैं, और मैं दावे से कह सकता हूं जो 53 सीट और जो घोषित होने वाली है उसमें भी ये संख्या हो सकता है ज्यादा नजर आए, क्योंकि दोनों ही पक्ष ये कह रहे हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं या दावेदार हैं वो कांग्रेस नेताओं के संपर्क में है, बीजेपी कह रही है कांग्रेस के जो दावेदार नेता है वो हमारे संपर्क में, तो कह सकते हैं सिलसिला खत्म नहीं होगा, जबकि अगले फेज की जो टिकट बटेंगे निश्चित तौर पर उसमें ये पैराशूटी और नजर आ सकते हैं। ऐसे में चूंकि बीजेपी ये मानकर चल रही है कि चुनाव उसको हर हाल में जीतना है, सत्ता का चौका लगाना है, और सत्ता का चौका लगाने के लिए अगर उसको विरोधी खेमे में, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि भाई कल तक गुड्डू कांग्रेस के थे, अब क्या बीजेपी कार्यकर्ता उनके पीछे जाएगा कल से ही? ये स्थिति आपने देखा हो कटनी में भी नजर आई थी, जब संजय पाठक को किस तरीके से बीजेपी में शामिल किया था, उसका इस्तीफा दिला के दोबारा चुनाव लड़ा के मंत्री बना दिया गया था, वहां के कार्यकर्ताओं पे क्या बीत रही थी, और कार्यकर्ता निराश हो गया था, जो संघर्ष बरसों से सालों से कांग्रेस के खिलाफ कर रहा था, वो कांग्रेस का ही नेता उनकी पार्टी में आके शामिल होता है, विधायक बन जाता है, यही गुड्डू के साथ है। आपको ध्यान होगा बीजेपी और संघ के कार्यकर्ताओं को प्रेमचंद गुड्डू ने दौड़ा दौड़ा के सड़कों पर पीटा था, ये तस्वीर आज भी कोई कार्यकर्ता नहीं बोला। अब वो कार्यकर्ता किस तरीके से प्रेमचंद गुड्डू के लिए वोट मांगेगा, ये अपने आप में राजनीतिक दलों को सोचने वाली बात है कि जो कार्यकर्ता उसके लिए समर्पित भाव से काम करता है, जो नीडी होकर काम कर रहा है, और अगर उसको टिकट मिलने की बारी आती है तो उसको एक दूध में मक्खी की तरह निकालकर बाहर कर दिया जाता है, तो बड़ी उस पीड़ा को समझना चाहिए। लेकिन हार जीत, अब सत्ता के लिए जीतना है, सत्ता पाना है, और उसके लिए अब ये नीति सिद्धांत कहां बचे, सब एक तरफ रख दिए जाते हैं, और वाकई इसे क्या कहा जाए, लेकिन वही कि सब पवित्र कर देंगे कि तर्ज पर, जिस तरह कांग्रेस के कई नेता लोकसभा चुनाव के टाइम पवित्र हो गए थे, अब कांग्रेस के विधानसभा के टाइम भी पवित्र हो जाए। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं शाइनी जी कि ये क्या वाकई जनता इन्हें स्वीकार, भाई 5 साल में बहुत स्थितियां चेंज हो गई हैं, अब सोशल साइट्स का जमाना है, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है हर आदमी, तो वो क्या इनसे वाकई उस तरह जुड़ पाएगा,
ये आप चेहरे को देखेंगे या पार्टी के सिंबल के साथ ही जाएगी यहाँ पर जनता? आज भी देखिए जिस तरह से टिकट दिया है तो पार्टी ये देख रही है कि चेहरे से लोग वोट करेंगे, ना कि इश्यू बेस्ड रहेगा और ना ही कार्यकर्ताओं को उसमें उतना महत्व दिया गया है। तो ये सीधा सीधा जो इनका आकलन है वो ये है कि लोग सिर्फ चेहरा देखेंगे और चेहरे के आधार पर वोट करेंगे। जमीनी हकीकत क्या है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी तो पार्टी यही मान रही है। अब जैसे पारुल साहू है, ये भी बीजेपी के एमएलए हैं जिनका टिकट काटा सागर से, तो इनने इनको इनके जगह में सुधीर यादव जी को दे दिया है, जबकि ये हमेशा से मतलब ये ऐसे विधायक हैं जो कांग्रेस के खिलाफ बोलते रहे हैं और अपने खुद के इसमें भी आवाज उठाते रहे हैं वहाँ पे। तो जो भी ऐसे भी एमएलए हैं जिनने पार्टी के खिलाफ आवाज उठाई तो उनका टिकट काट दिया है। जी, चंदेरी से इस वक्त हमारे स्वराज संवाददाता हाशमी जुड़ गए हैं। हाशमी, हमने चर्चा की थी आपसे जब हम सीटों पर डिस्कशन कर रहे थे, तो भूपेंद्र द्विवेदी एक नाम आया था कि वो कांग्रेस की ओर से दावेदार थे, लेकिन ये उस समय ऐसी खबरें उड़ी कि ये छोड़ करके पार्टी और बीजेपी में आ सकते, और वही हुआ और चंद दिन में उनको टिकट भी मिल गया। अब ऐसे में वहां स्थिति क्या है बीजेपी कार्यकर्ताओं में? जी हाशमी, लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अनिल जी, कई मंत्रियों को रिपीट किया गया, जो काटे हैं वो काटे भी नहीं है एक तरीके से, वो तो माया सिंह जी को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर ही दिया जाएगा, वो उस तरह का काट। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह से हुआ था कि वहां पर इतने मंत्री एक साथ हार गए थे चुनाव की, बड़ा पूरा लिस्ट बदल गई थी, और छत्तीसगढ़ में इस बार भी मंत्रियों को रिपीट किया गया एक का टिकट काट के, मध्य प्रदेश में भी अभी तक तो जो तीन चार काटे उनके परिवार से टिकट दे दिया गया है, इन्हें वो काटा नहीं कहा जाएगा। ऐसे में विधायकों के जो टिकट काटे गए हैं उस पर मैं थोड़ा सा आपका ध्यान चाहूंगा, क्या वजह रही है उन विधायकों के टिकट काटने के पीछे? देखिए दीपेश जी, मंत्रियों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काफी थी, सरकार का चेहरा होते हैं, और जिस तरीके से एक अनुमान लगाया जा रहा था कि बहुत सारे मंत्रियों के टिकट काटे जा सकते हैं, लेकिन माया सिंह के अलावा किसी का टिकट काटा नहीं। दो जो मामले हैं हर्षवर्धन सिंह, उनके बेटे को दे दिया, खुद ही मना कर केजरीवाल जी, तो सिर्फ माया सिंह एक उदाहरण है, जबकि कई मंत्री इस घेरे में थे जो एंटी इनकम्बेंसी घेरे में थे, सर्वे में भी तमाम आ रहा था, लेकिन बीजेपी जब टिकट देते थे उसमें वो लगता है साहस नहीं कर पाई है, या फिर कह सकते हैं हर मंत्री कहीं ना कहीं अपना दिल्ली में वजूद तलाशे हुए है, अपने आकाओं के सहारे बात होती रही है। और विधायकों की बात जरूर, विधायकों में 36 विधायकों के टिकट कटे हैं, हालांकि जैसे पहला कहा कि संख्या बढ़ सकती थी लेकिन नहीं बढ़ी, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि दबाव बीजेपी पे रहा है। शुरू के सर्वे अगर कहा जाए, पांच सर्वे जो बीजेपी के हुए थे वो सर्वे एक तरफ कर दिए गए, ठीक है, जो आखिरी के दो सर्वे हुए थे जो अमित शाह का सर्वे था और राम माधव का सर्वे था, इन सर्वे में जो 176 टिकट मैच कर रहे थे उन पर ही बीजेपी ने मोहर लगाई है। तो जिन विधायकों के टिकट काटे गए वहां आक्रोश नजर आने लगा है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि उन क्षेत्रों में क्या विधायक सक्रिय नहीं रहा या कुछ विवाद जुड़ते गए, जैसे हम गुना की बात की हमने कि पन्नालाल शाह के बहुत बड़े अंतर से जीते थे लेकिन अपने विवादों को लेकर इतने सुर्खियों में रहे कि विराट कोहली तक उन्होंने नहीं बख्शा और इस वजह से उनका टिकट कटा, और गोपीलाल जाट अशोकनगर सीट छोड़कर के गुना से अब लड़ रहे हैं, ऐसे कई कई विधायक हैं, तो वो क्या उनके जो नेगेटिव रिपोर्ट है उसी वजह से ये आपको लग रहा है कि डिसीजन लिया? देखिए दीपेश जी, नेगेटिव रिपोर्ट के आधार पर अगर टिकट काटे जाते तो बहुत सारे कट जाती आप 80 से ज्यादा ये संख्या होती, लेकिन यहाँ कंट्रोवर्सी आप देखें, पारुल साहू की बात करें वो काफी मुखर हो गई थी, सरकार के खिलाफ ही बोलने लगी, अपने नेताओं पर आरोप लगाने शुरू कर दिए थे, यहाँ कंट्रोवर्सी कहीं नहीं रही। आप साक्षी की बात करें गुना जी, इसमें चंदेरी का हाल जरा ले लें, ऐसा ही हाशमी हमारे साथ जुड़ गए, क्योंकि हाशमी, भूपेंद्र द्विवेदी चंद दिन पहले आते हैं टिकट मिल जाता है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की क्या प्रतिक्रिया वहां पर? जैसे ही टिकट वितरण हुआ भाजपा समय में एकदम सन्नाटा सा हो गया। उसके पहले ईसागर से भाजपा मंडल के युवा महामंत्री थे कुनी बिहारी जी शर्मा, उन्होंने कल पार्टी हाईकमान को इसका विरोध करते हुए एक लेटर दिया था और उसमें उन्होंने इच्छा मृत्यु की परमिशन मांगी थी उन्होंने, मतलब इतना मुखर विरोध हो रहा है। नहीं, ऐसे में अब आपको लग क्या रहा है, भूपेंद्र द्विवेदी की राह आसान होगी, क्योंकि राव राजकुमार यादव वहां कद्दावर नेता प्रबल दावेदार थे टिकट के, उनका कोई रिएक्शन? उनका रिएक्शन अभी उनका फोन बंद आ गया है और मैंने कॉन्टेक्ट करने का प्रयास किया था, लेकिन जो पहले के जो ऊपर के तीन दावेदार जो प्रथम तीन दावेदार थे उनके उनको इसका तो
ग्रोथ तो करेंगे भी, अपने भीतर घात हो कैसे भी हो लेकिन ग्रोथ तो होगा। अभी कोई सामने खुलकर आया क्या निर्दलीय चुनाव लड़ने का या पार्टी छोड़ने का ऐलान करने? हाँ दबे दबे मुझसे बात तो कर रहे हैं सब लोग, लेकिन खुलकर बोलने को तैयार नहीं हो रहा। अच्छा, ऐसे में अब भूपेंद्र द्विवेदी के लिए कितनी मुश्किलें होंगी चुनाव जीतना? उनका राजनीतिक कौशल है लेकिन मुश्किल तो है। ठीक है जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आपसे हमारी कुछ दिन पहले चर्चा हो रही थी, आपका कहना यह था कि अशोकनगर की तीनों विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो दो सीटें चंदेरी और अशोकनगर बीजेपी के खाते में जा सकती हैं और एक मुगावली कांग्रेस की। अब टिकट बीजेपी के डिक्लेयर हो गए हैं, चंदेरी में जो आपने देखा कांग्रेस का जो दावे जो था वो बीजेपी में शामिल होकर टिकट पा गए हैं। अब स्थिति सिनेरियो क्या रहेगा अशोकनगर का? अब तो अशोकनगर में स्थिति पलट जाएगी क्योंकि जो केपी सिंह जी हैं जो बीच में आ गए मुंगावली से, चंदेरी में भूपेंद्र सिंह जी बीच में आ गए, मतलब इनके उम्मीद ही नहीं थी कि इन लोगों को टिकट मिल जाएंगी, लेकिन इन लोगों ने काफी से टिकट मिल गए, पार्टी की जो भी रही उनकी जो भी रही, लेकिन अब तो दोनों सीटें ही गड़बड़ है। मामला कांटे का हो गया अब लगता है ना? बिल्कुल कांटे का है, थोड़ा बहुत ही फर्क रहेगा। अच्छा, ऐसे में मुंगावली में क्या कुछ फेरबदल हो सकता है? बृजेंद्र सिंह यादव पर ही कांग्रेस फिर मोहर लगाएगी? उनका तो बृजेंद्र सिंह यादव का तो मोहर है पक्का ही। तो ऐसे में दोनों ही सिंधिया समर्थक माने जाते हैं, तो अब कार्यकर्ता या बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो क्या इन्हें सहर्ष स्वीकार कर पाएगा? मुंगावली की भी आप थोड़ा स्थिति बता दीजिए। जी, मुंगावली में वो दोनों का एक ही साथ ही चल रहा है, भाजपा के ही लोग मानने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर का जो दबी दबाव से बात आ रही है सिंधिया जी की भी चाल हो सकती है। ठीक है, चलिए शुक्रिया हाशमी। मैं अनिल जी आपसे ये समझना चाह रहा था कि आपने पैराशूट से उतार तो दिया, लेकिन क्या वो कार्यकर्ता जीत पाएगा जो आप साम दाम दंड भेद सब अपना करके केवल एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि हम ये इनके प्रकारण सीट जीत जाए निकाल लें, लेकिन अगर आप ये कर रहे हैं तो कार्यकर्ता नहीं है आपके साथ में? देखिए दिव्य जी, इसमें दो बातें मैं इसमें जोड़ूंगा। एक तो ये कि बीजेपी संगठन के तौर पर काफी विशाल पार्टी है, समग्र पार्टी है, वो जब टिकट घोषित करती है तो सेबोटेज ना हो उनको कैसे मान मनोबल किया जाए इसके लिए एक अलग टीम काम करती है। निश्चित तौर पर अब टिकट घोषित हो गए, जहां जहां विरोध की खबरें आ रही हैं तो बीजेपी कहीं ना कहीं उसको संभालने की कोशिश करेगी। जो बी टीम है बीजेपी की जिसके पास यही काम दिया है वो अब इस काम में निश्चित तौर पर सक्रिय हो जाएगी, और अगर ये नहीं कर सकती तो निश्चित तौर पर उस कार्यकर्ता के सामने बड़ी दिक्कत होगी। बीजेपी अभी ये कह सकती है कि लोकसभा के चुनाव सामने हैं, अगर प्रबल दावेदार तो वहां आपको मौका दिया जा सकता है, आगे चल के जो और जो पद हैं अगर सरकार में आते हैं तो उन पदों पर आपको माना जा सकता है। कार्यकर्ता अगर मान जाता है तो ठीक है, तो बीजेपी की स्थिति सुधर जाएगी। अगर कार्यकर्ता के मन में यह भरोसा नहीं हो पाता कि 15 साल से वो भरोसा कर रहा, अब ये दोबारा भरोसा अगर नहीं कर सकता तो निश्चित तौर पर बीजेपी के उम्मीदवारों को वहां वहां दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, सीट हाथ से जा भी सकती है, क्योंकि जो कार्यकर्ता जिस पैराशूटी उम्मीदवार का कांग्रेस में जब वो थे तो विरोध करता रहा है, सालों साल झंडे डंडे उठाता रहा है, अब वो कैसे स्वीकार कर लेगा? मैं एक मिनट रुकना चाहूंगा। हमारे साथ इस वक्त भोपाल की हुजूर सीट से एक कहें कि नाराज हैं बीजेपी के नेता श्याम जी हमारे साथ, श्याम मीणा जी। श्याम सिंह जी स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। क्या नाराजगी आपको टिकट वितरण से? वितरण में बहुत भारी नाराजगी है। पूरे क्षेत्र में जो रेवासी हुजूर विधानसभा तो पूरी जनता नाराज थी, उसके बाद भी पार्टी ने पता नहीं क्या सोच के कैसे दबाव में रामेंद्र शर्मा को टिकट दे दिया है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी हुजूर विधानसभा पे हारने की कगार पर। अच्छा, आप टिकट के दावेदार थे? नहीं, मैं दावेदार नहीं था, पर क्योंकि विधायक रामेंद्र शर्मा से पूरी क्षेत्र की जनता त्रस्त थी, उनके चलने खोरी से। अच्छा। और उनके तमाम जो घपले घोटाले हैं उनसे काफी लोग परेशान थे, जनता नाराज थी, तो हमने पार्टी में आवेदन दिया, सब बड़े नेताओं से वरिष्ठ नेताओं से आग्रह किया कि बदल कर किसी भी व्यक्ति को टिकट दिया जाए, इनको टिकट नहीं दिया जाए, पर पार्टी ने पता नहीं किस दबाव। आपके हिसाब से किसको टिकट मिलना चाहिए था? किसी को भी मिल जाना था, भारतीय जनता पार्टी के भगवान दास जी थे, अपने बी डी शर्मा जी थे, आलोक शर्मा जी थे, किसी को भी मिल सकता था टिकट, बहुत नेता थे, पर पता नहीं ये पार्टी इसके दबाव में क्यों रही, क्या कारण रहे होंगे क्यों इसको टिकट। लेकिन अब श्याम जी कोई खुलकर बगावत करेगा क्या रामेश्वर शर्मा के खिलाफ? खुलकर करेंगे ना, हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? हम लोग प्रचार करेंगे तो खिलाफ में जाकर रामेंद्र शर्मा के खिलाफ। उनके प्रचार खिलाफ तो करेंगे, लेकिन किसके पक्ष में करेंगे? कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे?
अब अगर ऐसी परिस्थिति बनी, अभी तो हमारे पार्टी के सब नेताओं से यही आग्रह है कि इनका टिकट वापस करके किसी अन्य नेताओं को यहाँ टिकट दिया जाए, पर अगर उसके बाद भी नहीं माने जाए तो ऐसा करने पर मजबूर नहीं। लेकिन अभी आप प्रदर्शन करेंगे या इस्तीफा देंगे, क्या करने वाले हैं और कौन कौन है आपके साथ में? पूरी समाज है हमारे साथ में, मीना समाज पूरी साथ में है, मेरे सिंधी समाज पूरी साथ में है, मेवाड़ा समाज, सब समाज साथ में है हमारे, और इस रामेश्वर शर्मा के खिलाफ है पूरी तरह से। भारतीय जनता पार्टी से किसी की कोई नाराजगी नहीं है, पर रामेश्वर शर्मा से पूरी जनता नाराज है, त्रस्त है इस बार जी। लेकिन 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 श्याम जी ये कहते हैं बीजेपी के लिए कि भाई कमल चुनाव लड़ता है यहाँ से, तो चेहरा नहीं लड़ता है? लड़ता है, बिल्कुल लड़ता है, पर इस बार रामेश्वर शर्मा ने कमल की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का क्योंकि सत्यानाश कर दिया इस बार, इसलिए हमको हार का मुंह देखना पड़ सकता है जी। अनिल जी आप कुछ पूछना चाहेंगे श्याम जी से? मीणा साहब आपने नामांकन फार्म भी खरीद लिया है, आप अगर चुनाव लड़ेंगे तो रामेश्वर शर्मा को कैसे हराएंगे, क्योंकि बीजेपी का वोट तो आप ले जाएंगे कांग्रेस? अभी अभी हमने नामांकन फार्म खरीदा है, जमा नहीं करा है, अभी हमारा एक दिन दो दिन सब कार्यकर्ताओं से, हमारे सब सामाजिक संगठनों में हमारी बातचीत चल रही है, और सबसे निर्णय करने के बाद अगर सब लोगों ने कहा कि भैया आप पे जनता विश्वास कर सकती है, और उनने कहा कि आपको लड़ना है तो लड़ भी सकते हैं, पर अभी ऐसा कोई लड़ने का विचार नहीं है, अभी नामांकन फॉर्म खरीदा जरूर है। आपकी बीजेपी किन बड़े नेताओं से बात हो गई है कि टिकट चेंज हो सकता है आपको लग रहा है? अभी हमारी जो कैंडिडेट थे वो सब कह रहे हैं कि 27-28 टिकट चेंज हो सकते हैं। अच्छा, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम चाहते हैं कि सरकार भी बने और हमारे यहाँ से भी जीते, पर क्योंकि रामेश्वर शर्मा से पूरी जनता, एक एक बच्चा त्रस्त है, एक एक व्यक्ति त्रस्त है, उस पर पूरी उसके कर्मश्री के आयोजनों की वजह से पूरी जनता नाराज है। लेकिन कहा तो यह जाता है कि सीएम साहब के बड़े पसंदीदा विधायक हैं रामेश्वर शर्मा। अब सीएम साहब तो हो सकते हैं, जनता का तो नहीं है ना। अच्छा, लेकिन चलिए अब ये मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अब क्या कल बीजेपी दफ्तर जाएंगे, आज जाएंगे, तुरंत विरोध करेंगे, कब करेंगे? हम तो स्टार्टिंग से विरोध कर रहे हैं। नहीं, वो तो कर रहे हैं, अब टिकट बढ़ गया, अब क्या करेंगे ये बताइए। अब बात कर रहे हैं, अब कल पार्टी कार्यालय में जाएंगे, सबसे बातचीत करेंगे, विरोध करेंगे, और उसके बाद भी तय नहीं हुआ तो फिर आगे की रणनीति बनाएंगे साथ मिलकर। ठीक है, चलिए शुक्रिया हमसे बात करने के लिए श्याम जी। शाइनी जी एक कमेंट में आपसे जरूर इस पर चाहूंगा कि देखिए मैं जो शुरू में आपसे पूछा कि इतना मंथन आप करते हैं, इतनी सर्वे रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन क्या मजबूरी होती है कि कुछ चेहरों को टिकट देना ही पड़ेगा, चाहे जनता नाराज हो, चाहे कार्यकर्ता नाराज हो, माहौल उनके खिलाफ हो, ये क्या है? ये ऐसा नजर आता है कि जितने बड़े नेता हैं और हाईकमान पे इतना प्रेशर होता है उनका, तो वो टिकट जो है जिनका काटना चाहते हैं वो नहीं काट पाते हैं, और जिनको नहीं देना होता उनको भी दे देते हैं। और जैसे इधर का अपन देख रहे हैं, सिंधिया के जो करीबी हैं उनको टिकट देके हो सकता है बीजेपी ये सोच रही है कि कुछ सिंधिया को घेर सके वहां पे उस इलाके में, क्योंकि कांग्रेस के कई वोट जो हैं इनके तरफ आ सकते हैं। और अगर इनने अपने लोगों को मना लिया, जैसे अनिल जी ने कहा कि इनका बी टीम काम करेंगे जो नाराज नेताओं को मनाने पार्टी वर्कर्स को, तो ये एक उनकी स्ट्रैटेजी हो सकती है। लेकिन बाकी जो है, इस तरह से आप अगर अपने पार्टी वर्कर को नाराज करके टिकट देते हो, और आपके खुद के सर्वे में कहा गया है कि जिनको जो काम नहीं करे हैं या जिस तरह के बाहर से आए हैं उसको टिकट नहीं देना, और सर्वे के हिसाब से आप नहीं चलोगे, तो एक तरह से आप अपने ही कहे बात से पलट रहे हैं। राजनीति में तो चंद मिनट पहले कई बात नेता भूल जाते हैं। लेकिन अनिल जी एक कमेंट में जरूर आपसे हुजूर की स्थिति पे चाहूंगा, विरोध, हालांकि भोपाल की भी चलिए बात करते हैं, कई विधायकों का यहाँ पर विरोध था, मंत्रियों का विरोध था कहना चाहिए, लेकिन फिर भी बीजेपी आलाकमान ने उन पर मुहर लगाई है, और अभी जो सीटें बची हैं, अच्छा जो मंत्री नहीं लड़ना चाह रहे तो उनके घर से तो टिकट मिल गया, यहाँ जो मंत्री लड़ना चाह रहे हैं, पूर्व मंत्री कहना चाहिए, गौर साहब भी, सरताज सिंह भी, इन पे क्या बीजेपी आलाकमान कुछ नजरें इनाज करेगा? देखिए दीपेश जी, आज 7 में से 5 सीटें भोपाल की बीजेपी ने घोषित कर दी है। जो कंट्रोवर्शियल हैं जैसे गोविंदपुरा, ये माना जा रहा है बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीट है, लेकिन तब जब गौर साहब को साधकर चलेंगे। अब यहाँ दिक्कत है कि गौर साहब को टिकट दें या उनकी बहू कृष्णा गौर को दें। कृष्णा गौर काफी लंबे समय से तैयारी कर रही थी, लेकिन वहां भी थोड़ी खटपट सी बातें सामने आ रही हैं। अंत में चूंकि यहाँ आलोक शर्मा भी प्रयासरत है, महापौर भोपाल के, तपन भौमिक जो पर्यटन निगम के अध्यक्ष हैं, तमाम दावेदार हैं, क्योंकि सबसे सुरक्षित सीट ये गोविंदपुरा बीजेपी की रही है, तो दावेदारों की लंबी फहरिस्त है। लेकिन मेरा जो मानना, जो सोर्स बता रहे हैं कि टिकट तो गौर साहब के घर में ही दिया जाएगा, ये 53 सीटों में ये भी शामिल है।
इसके अलावा उत्तर भोपाल में बीजेपी कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर चल रही थी, क्योंकि कांग्रेस में ये माना जा रहा था कि आरिफ अकील का टिकट चेंज हो सकता है, आर्य मसूद को दिया जा सकता है, क्योंकि आर्य मसूद मध्य की जगह उत्तर भोपाल से लड़ना चाह रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस का टिकट जिस दिन डिक्लेयर हुआ तो उत्तर भोपाल का परसों तक मेरे ख्याल से बीजेपी टिकट घोषित कर देगी। हुजूर का जहां तक सवाल है, भगवान दास सबरानी का सबसे बड़ा अधिकार रहा है, क्योंकि हर बार उनको चांस देने की बात आती रही है। सिंधी समुदाय बड़ा उनके साथ जुड़ा हुआ है, एक कह सकते हैं कि सिंपैथी उनके साथ है, और सिंधी समाज उस दिन का इंतजार कर रहा है कि कब भगवान दास सबनानी को टिकट मिले और पूरा वो पूरी तन मन धन से सबनानी जी के लिए काम करें। लेकिन यहाँ रामेश्वर शर्मा भारी पड़े हैं, और इतना भारी पड़े कि बीडी शर्मा जो महामंत्री है उन पर भी भारी लगभग तय था उन पर भी भारी पड़ेगा। तो ये जादू की छड़ी रामेश्वर शर्मा के पास कौन सी है, क्या है, वो बड़ा देखने वाली बात होगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और उज्जैन, इस वक्त हम आपको उज्जैन की भी चर्चा करेंगे। हम जबलपुर की बात कर लेते थोड़ी, वहां पर अभी शरद जैन का टिकट भी रोक लिया गया है, और ऐसी छतरपुर से ललिता यादव थी उनको बड़ा मलहरा भेज दिया गया, यानी कुछ फेरबदल वहां भी हुए हैं। अनिल जी, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे कि यानी मंत्रियों के अब टिकट तो नहीं काट सकते थे, लेकिन जगह चेंज करी या फिर सीटें भी रोक ली गई हैं? देखिए, अभी काफ़ी सीटें वहाँ से घोषित होना है, और कुल मिला के जबलपुर महाकौशल का एक प्रमुख हिस्सा है, और आपको पता है कि राकेश सिंह बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं वो महाकौशल के, कमलनाथ भी महाकौशल से हैं, तो यहाँ बीजेपी बड़ी फूक फूक कर कदम रख रही है, और राकेश सिंह के हिसाब से ही वहाँ टिकट दिए जा रहे हैं। और आपने देखा ईश्वरदास रोहाणी के जो पुत्र हैं अशोक, वो सिटिंग एमएलए जरूर, लेकिन उनके खिलाफ काफी असंतोष है, वो उतने मुखर होकर अपने क्षेत्र में काम नहीं कर पा रहे। लेकिन आज जब 176 भी जब लिस्ट सामने आई तो पहली सूची में ही उनको दे दिया गया, जबकि ये माना जाता है कि पहली सूची जिस भी दल की जारी होती है तो ये माना जाता है सेफ जोन है, यानी कि विनिंग कैंडिडेट पहली प्रायोरिटी रहे हैं, उनको घोषित कर दिया, कंट्रोवर्शियल बाद में घोषित किए जा रहे हैं। तो अशोक रोहाणी को क्या दिक्कत टिकट दिया, या उन्होंने 2-3 महीने में अपनी स्थिति सुधार ली है, ये देखने होगा। लेकिन राकेश सिंह ने उन पर भरोसा किया है, तो जबलपुर में बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष चूंकि वहीं से आते इसलिए हमने शहर की बात की। सागर की हम बात करते हैं, यहाँ पर काफी विरोध था शैलेन जैन के खिलाफ, तो यहाँ पर ब्राह्मण समाज से उम्मीदवार की मांग को लेकर प्रदर्शन करने साधु संत बीजेपी दफ्तर आ गए थे, लेकिन शैलेन जैन रिपीट किए जा रहे हैं। हरवंश राठौर का वहां पर बंडा से खासा विरोध था, और ऐसा लग रहा था कि उनका 80 विधायक जो है बन रही लिस्ट उनका टिकट कट सकता है, लेकिन वहां पर राठौर परिवार का काफी वर्चस्व है इसलिए उन्हीं को रिपीट किया। प्रदीप लारिया फिर से, गोपाल भार्गव कोई सवाल नहीं था उनके अलावा, और भूपेंद्र सिंह इनके भी नाम में कोई संशय था नहीं। बीना से एक बार फिर महेश राय का भी वहां पर खासा यूं कह सकते कि विवादों में थे, लेकिन ये जो नाम फिर से बीजेपी ने रिपीट कर रहे हैं, वही मैं कह रहा हूं कि बड़ी संख्या है, तो बीजेपी की स्थिति यानी यही है कि जैसे भी हो चुके एक बार आजमाए हुए हैं, इसलिए फिर इन पर दोबारा हम भरोसा जता सकते हैं। देखिए दीपेश जी, बुंदेलखंड में कांग्रेस बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रही थी। आपको याद होगा जब यूपीए सरकार थी, सब बुंदेलखंड का पैकेज मनमोहन सिंह ने दिया था, और कांग्रेस वहां सरवाइव कर रही थी तेजी से। तो बीजेपी को जहां तक लगा, पारुल साहू हुआ, एक जो आप बता रहे हैं बीना का, ये दो क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी को लगता है कि जो उनके दावेदार हैं या जो उनके विनिंग कैंडिडेट हैं उन पर ही बीजेपी ने पुराना फिर से भरोसा जताया है। बुंदेलखंड में ज्यादा छेड़छाड़ बीजेपी ने करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उनको लगा रिस्क वाला काम है, क्योंकि अगर आया राम गया राम अगर कहीं ज्यादा नजर आता तो फिर बुंदेलखंड में नजर आता, फिर क्योंकि कांग्रेस के खेमे में बीजेपी के जाने वालों की सूची बढ़ जाती, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, सतना से हमारे सहयोगी वरुण शर्मा जुड़ गए, उनसे हम जरा बात करते हैं सतना की। वरुण, सतना में क्या हलचल टिकट बंटवारे के बाद? शंकर लाल तिवारी जी का लग रहा था कि शायद टिकट ना मिले, बीजेपी फिर रिपीट कर रही है, और नागौद से नागेंद्र सिंह है, मैहर से फिर नारायण त्रिपाठी, हालांकि पार्टी ने उन पर भरोसा रखा, तो वहां हलचल इस वक्त, रिएक्शन क्या है वहां पर? ये देखा जाए अभी फिलहाल तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है कई जगह से, हालांकि लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर जो दबी जवान माने कार्यकर्ताओं की, तो उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है कई सीटों पे, जैसे चित्रकूट हो गई, नवगढ़ हो गई, और इन सीटों पर ये कहीं ना कहीं पार्टी ने युवाओं का ध्यान न रखते हुए और ऐसा कैंडिडेट चुना है,
तो ये कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हालांकि इसको लेकर अभी फिलहाल किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, फिर भी सतना में रामो राम गुप्ता जो सबसे पुराने कार्यकर्ता थे और वर्तमान में प्रदेश के कोषाध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य थे, और ये माना जाता कि भाजपा में जब चार लोग हुई होते थे उसमें से एक रामो राम गुप्ता भी हुआ करते थे, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उनका कहना है कि मैं पुराने लोगों से असंतुष्ट हूँ और इस वजह से जो मैंने आज के समय टिकट वितरण हुआ है, इसलिए उस टिकट वितरण को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी ने ध्यान नहीं रखा और मनमाने तरीके से अपने बेच दिया है, मैंने वो एक तरह से मैंने उन्हें टिकट दे दिया है। अच्छा। तो कुल मिलाकर अभी असंतोष तो है कुछ सीटों पर, और अब जो बड़ी बात ये है कि जैसे गगनेंद्र प्रताप सिंह जो वहाँ के बड़े लीडर हैं नौगौर से, वहाँ से नागेंद्र सिंह को टिकट दे दिया गया जो पहले वहाँ हालांकि मंत्री रह चुके हैं, अब खजुराहो से सांसद हैं। गगनेंद्र प्रताप सिंह के साथ युवा का एक बड़ा वर्ग है और उनने चार दिन पहले ही अपने चुनावी अभियान का शंखनाद करके क्षेत्र में घूम रहे हैं। अच्छा। तो अब बड़ा प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि गगनेंद्र प्रताप सिंह चुनाव अगर लड़ेंगे तो बड़ी दिक्कत भाजपा को होगी। वहीं पर एक बड़ा सुभाष शर्मा डोली का चित्रकूट में कहा जाए जिनका नाम लास्ट तक चला, उपचुनाव में भी चला, और वहां पर सुरेंद्र सिंह गैरवार को टिकट रिपीट की दी गई जबकि वो हारे थे, उसके बावजूद भी तो वहां भी अगर सुभाष शर्मा डोली आते तो अगर बगावत होती है तो बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर सतना में। वरुण ये जानना चाहेंगे हम कि बीजेपी को भी सब पता होगा कि कौन मजबूत कैंडिडेट है, किसके खिलाफ विरोध है, सर्वे रिपोर्ट क्या आई है, उसके बावजूद अगर बीजेपी इतनी रिस्क लेती है तो उसके पीछे वजह आप क्या देखते हैं? जी निश्चित रूप से ये एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हुआ है कि सब कुछ बीजेपी को भी मालूम था कि कौन से कैंडिडेट हैं और कौन फील्ड में है, उसके बाद भी इस तरह का टिकट वितरण हुआ है तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए हानिकारक है, और बीजेपी ने जानबूझकर ऐसा किया है। उसका एक कारण जो सामने आता है अगर राजनीतिक विशेषज्ञों की माने कि ये विंध्य का जो क्षेत्र है वो पहले से बीजेपी के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। देखा जाए 2013 में भी मोदी लहर में और शिवराज की लहर में सिर्फ दो सीटें आई थी, शंकरलाल तिवारी सतना से और रामपुर से हर सिंह जो मंत्री है, तो ये क्षेत्र वैसे भी बीजेपी के लिए बहुत अच्छा नहीं था लहर के, अब तो लहर भी नहीं है, बीजेपी को एट्रोसिटी के साथ साथ कई एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना है। उस स्थिति में बीजेपी ने यही सोचा है कि अपने पुराने लोगों को दे दें टिकट, जो होगा देखा जाएगा, वो इस क्षेत्र को अपने लिए जिताऊ मानकर चल भी नहीं रही है, इसीलिए मैंने ऐसे तरीके से टिकट बांटी है जिसको राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि एक तरह से बचकाना तरीके की हरकत की गई है, जिनका नतीजा ये है कि जो जीत सकते हैं उनको हाथिए में कर दिया, जो हारे हुए प्रत्याशी है। ठीक, बहुत आपने अहम बात कही है वरुण। ये देखिए मैं शाइनी जो मैं इस लिस्ट को देखने का जो बार बार मैं बात कह रहा हूँ वो वरुण ने भी कही और वहाँ के नेता भी कह रहे हैं कि जो जीत सकते थे उनको आप दरकिनार कर रहे हैं, जो जिन पर आप हाँ, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं बड़े नेताओं ने अपना मतलब वर्चस्व दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे, जैसे अभी उन्होंने बताया जबलपुर में रोहानी जी के बेटे को टिकट दे दिया है, हर जगह आप देखेंगे तो अपने बीजेपी बोलती है कि परिवारवाद को नहीं बढ़ावा देंगे, तो आप देखेंगे आधे से ज्यादा तो परिवार के ही लोगों को दिया है, या तो बेटे हैं या भाई हैं। और रजनीश अग्रवाल कहते हैं परिवार के लोगों को नहीं, हमने कार्यकर्ता को टिकट दिया है। और यहाँ पे आप देखें छतरपुर में तो उमा भारती ने अपने सारे लोगों को वहाँ पे दिलवाने की कोशिश की है, उमा भारती के भतीजे हैं राहुल सिंह, उनको टिकट मिल गया है, ललिता यादव है उनके काफी करीबी हैं, और अखंड प्रताप सिंह जो उमा भारती काफी खास कहा जाता है, उनके बेटे अभय प्रताप सिंह को टिकट मिल गया। जी बिल्कुल, तो ये सब मतलब एक तरह से जो जीतने वाले कैंडिडेट के बजाय क्षेत्र के जो दिग्गज नेता उनने अपने लोगों, शिवराज सिंह जी के जगह देखा जाए तो उनने भी अपने जो खास है मुकेश टंडन को टिकट जगह उनको टिकट दे दिया। जी चलिए हम शहडोल की जरा बात कर लेते हैं, हमारे साथ इरफान जुड़ गए हैं। इरफान, शहडोल में शिवनारायण सिंह को फिर रिपीट किया जा रहा, उपचुनाव में जीते थे वो, टिकट उन्हें मिल गया है, इसके अलावा वहां भी क्या स्थिति है टिकट बंटवारे के बाद? जी मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो जयसिंह मलावी थे जो मंत्री भी रह चुके थे उनका उनकी जगह चेंज कर दी गई, पहले वो जयपुर में थे अब उनको जयसिंह नगर भेज दिया गया है। और दूसरी चीज ये हो रहा है कि अभी चार दिन पहले जो शरद कोल है ये कांग्रेस से बीजेपी में आए और इनको टिकट भी मिल गई, वहां पे अंदरूनी भीतर घात भी चल रहा है
और लोगों का ये कहना है वहाँ पे कि पहले भी वो कांग्रेस में थे, उनको चार्ज नहीं हुआ बीजेपी में, और बीजेपी ने टिकट दे दी उन्हें, तो कहीं ना कहीं पे, और अभी दूसरी जो टिकट आएगी वो कांग्रेस की आएगी, तो कहीं ना कहीं पे ये माना जाए कि कांग्रेस कार्य से चुनाव हो रहा है, बीजेपी कैंडिडेट फिर कोई है नहीं यहाँ पे, तो इस तरह का भीतरघात भी चल रहा है। जी चलिए शुक्रिया इरफान बातचीत के लिए। हम सतना चलेंगे फिर से। गगनेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, नाराज हैं थोड़ा टिकट वितरण से। गगनेंद्र जी स्वराज एक्सप्रेस पर स्वागत है आपका, क्या नाराजी टिकट वितरण से? तो उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। हम अनिल जी एक कमेंट आपका भी चाहेंगे, जो वरुण कह रहे थे जिस बात को, यानी बात वही कि कई जगहों पर मजबूरी हो जाती है, नतीजा फिर कुछ भी हो, पता है कि ये हार सकते हैं लेकिन फिर अच्छा। एक अभी कुसुम मेंदिले का टिकट फाइनल नहीं हुआ है और पन्ना सीट से, इसके अलावा ऐसी कई अहम सीटें, इंदौर का भी थोड़ा जिक्र कर ले, इंदौर से आपके पास क्या इनपुट्स हैं, आखिर वहां क्या मामला फंस रहा है? देखिए दीपेश जी, मालवा निवाड़ सत्ता को बनाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें अगर पिछले चुनाव में कहीं मिली थी तो मालवा निवाड़ से, और कह सकते कांग्रेस का सूपा साफ जैसी स्थिति थी, 9 सीटें बीजेपी कांग्रेस जीत पाई थी, बाकी सभी बीजेपी के खाते में थी। आज जो 47 प्रत्याशी मालवा निवाड़ से घोषित किए गए हैं, जिनमें 32 विधायकों को फिर से टिकट दिया गया है और 11 विधायकों के टिकट बीजेपी काट सकी है, तो कह सकते हैं मालवा निवाड़ में बीजेपी ने ज्यादा कोई प्रयोग करने की कोशिश नहीं की है, जबकि वहां कांग्रेस बड़ी तेजी से विस्तार करती जा रही है। इंदौर में, इंदौर और उज्जैन को लेकर बीजेपी ने जो उज्जैन को टिकट घोषित कर दिया, लेकिन घटिया जो है सीट, वहां आखिरी में उनको रोकना पड़ा। उज्जैन में, इंदौर में कह सकते हैं कि ताई और भाई का कहीं ना कहीं चीजें चली आ रही, इस कारण वहां टिकट अभी डिक्लेयर नहीं किए गए हैं। यहां अगर टिकट अभी घोषित हो जाते तो निश्चित तौर पर मालवा में ज्यादा ये उग्र प्रदर्शन हम देखने को देख सकते थे, क्योंकि कांग्रेस की भी टिकट वहां आने हैं, कांग्रेस ने भी उज्जैन के अपने पत्ते नहीं खोले हैं, मालवा इंदौर के कुछ पत्ते जरूर खोले हैं, लेकिन वो सर्वमान्य सीटें थी जहां कोई ऐसा विरोध नहीं था, तो वहां कांग्रेस बीजेपी ने अपनी वहां कांग्रेस की रणनीति देखकर काम करने के इरादे में बीजेपी नजर आ रही है। नहीं ऐसा तो नहीं कि वो आकाश विजयवर्गीय महू से लड़े या 2 नंबर से इसलिए टिकट फंसा, या रमेश मेंदोला 2 नंबर से लड़ेंगे या महू जाएंगे उस पर पेंच फंसा, या सुदर्शन गुप्ता को टिकट देना है या नहीं देना है इस पर। अच्छा इसके अलावा 3 नंबर को लेकर काफी जद्दोजहद थी, राव सीट को लेकर काफी कि जिरावती को काला पीपल भेजना है या फिर राव से लड़ाना, तो ये क्या ये अभी वहां पर मुझे लग रहा है कि जो कह रहे थे कि बहुत स्थिति साफ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इंदौर में ज्यादा बड़ा सोचना पड़ रहा है। देखिए 3 सीटों का आपने उल्लेख कर ही दिया है, उसमें सारी तस्वीर इंदौर की साफ हो रही है, बीजेपी भी अंदर खाने कह रहा है। रमेश मेंदोला, जीतू जिराती और तीसरा नाम सुदर्शन गुप्ता और जिरात, हाँ जी जी सुदर्शन गुप्ता जी, ये 3 कहां से लड़ेंगे, कहां इनको जाना है, ये सब कुछ इस पर तय होना है। रमेश मेंदोला के लिए अगर कोई सीट फिक्स हो जाती है तो जो सीट वो खाली करेंगे वहां कैलाश विजयवर्गीय के बेटे को मौका दिया जा सकता है। यही कारण है कि कैलाश विजयवर्गीय ने कह दिया है कि वो उनका उनके बेटे को इंदौर से कहीं से भी टिकट दिया जाए लेकिन टिकट जरूर दिया जाए। तो इंदौर को लेकर ज्यादा कसमकस नहीं है, बस ये तय करना है किसको कहां से लड़ाना है, क्योंकि सुदर्शन गुप्ता ताई कोटे से आते हैं और ताई भी अपने बेटे को लेकर वहां सक्रिय है, तो ऐसे में कह सकते हैं इंदौर सुरक्षित सीट मानते हुए बीजेपी यहां ज्यादा थोड़ा सावधानी बरतना चाह रही है, क्योंकि सुरक्षित होने के बाद भी कहीं कोई गलती ऐसी ना हो तो सीट एकाध कम हो जाए। ठीक है, उज्जैन से हमारे सहयोगी विजय नेमा जुड़ गए, उनसे हम जरा हाल ले लेते हैं। विजय, हालांकि बड़ा आज उलटफेर हुआ है और उज्जैन जिले की जो घटिया सीट है प्रेमचंद गुड्डू का नाम चल रहा है वहां से, लेकिन उसके बाद रिएक्शन क्या, और जो बाकी शहर की जो सीटें हैं, मोहन जो वर्तमान विधायक हैं उनका नाम नहीं अभी डिक्लेयर हुआ है, फिलहाल क्या है हलचल वहां पर? जी सर, फिलहाल यहां पे अटकलें लगाई जा रही है कि मोहन जी यादव का नाम चल रहा है और कहीं ना कहीं प्रदीप पांडे का भी नाम चल रहा है, और घटिया विधानसभा क्षेत्र से एकदम गुड्डू प्रेमचंद जी गुड्डू का नाम आने से कार्यकर्ता काफी बीजेपी के जो है वो आक्रोशित दिख रहे हैं और उन्होंने अपना लोक शक्ति पार्टी कार्यालय पे विरोध जताया, इसका पुतला दहन किया। अच्छा अब क्या गुड्डू के घटिया से लड़ने की खबरें हैं? हाँ, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि प्रेमचंद गुड्डू को घटिया से टिकट दी जा सकती है। ऐसे में जी जी बोलिए, मीडिया प्रभारी जी ने, बीजेपी के जो मीडिया प्रभारी जी ने ये बोला है कि अभी अधिकृत घोषणा इसकी बाकी है। अच्छा, तो ये बताइए कि अगर गुड्डू वहीं से लड़ते हैं बीजेपी कार्यकर्ता क्या उनके साथ खड़ा होगा? जी सर,
अगर गुड्डू को घटिया से टिकट मिलता है तो क्या बीजेपी कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा होगा? कल तक तो वो कांग्रेस में थे, यानी कोई विरोध होगा, कोई बगावत होगी, क्या स्थिति आप देख रहे हैं वहां पर? सर ये तो अब संगठन तय करेगा, बीजेपी के लोगों का यही कहना, बाकी विरोध तो अभी भी देखा जा सकता है। आज भी भारी को टिकट देने के मामले में घटिया सीट से आज भी पुतला दहन किया गया भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से, विरोध साफ देखा जा रहा है। विजय ये बताओ, अशोक मालवीय का टिकट घोषित किया था बीजेपी ने, अब अशोक मालवीय का रिएक्शन क्या है जब उनका टिकट होल्ड पर डाल दिया गया और अभी माना जाएगा प्रेमचंद गुड्डू ही वहां से उम्मीदवार होंगे? जी सर, इस मामले में पूरे मैंने जब उनसे मालवीय जी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बोला कि पार्टी जो तय करेगी मैं उसके साथ हूँ। अच्छा, इसके अलावा मोहन यादव का टिकट रोकने के पीछे कोई वजह या उनके खिलाफ कोई नेगेटिव रिपोर्ट थी? हालांकि सक्रिय तो काफी दिखे, भोपाल में ज्यादा सक्रिय दिखते थे उज्जैन के बनिस्बत, लेकिन फिर भी उनका टिकट रोकने की कोई वजह आपको समझ में आ रही है? सर अभी तो कुछ कहा जाना मुश्किल है इस पर, कहीं ना कहीं कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी और कुछ उनके बेतुके बयान इस वजह का मुख्य कारण है। चलिए शुक्रिया विजय हमसे बात करने के लिए। अलीराजपुर से रामेश्वर योगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामेश्वर, हालांकि हमने जो अपने कार्यक्रम इसी कार्यक्रम सत्ता के संग्राम में चर्चा की थी, लगभग वही नाम है, लेकिन इन नामों के बाद अब रिएक्शन क्या है वहां पर? दिवेश अगर बात करें पूरे जिले की, तो जिले में दो विधानसभा है वर्तमान में, अलीराजपुर जोबट और अलीराजपुर। जो अगर विधानसभा बार अगर बात करें तो अलीराजपुर जो विधानसभा है उसमें बीजेपी की ओर से पत्ते खुल चुके हैं, जिसमें नागर सिंह चौहान का नाम आया है। मतलब तीन बार विधायक रह चुके हैं और ज्योतिबा भी बीजेपी ने इनको टिकट दी है। और अगर कांग्रेस की ओर से जो अभी खबर आ रही है कि मुकेश पटेल को टिकट दी गई है, जो पूर्व विधायक स्वर्गीय व्यवस्था पटेल के बेटे हैं, ऐसे में देखा जा रहा है अलीराजपुर में कि काफी टक्कर कहीं ना कहीं आगे देखने को मिलेगी। यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग चुनाव अलीराजपुर होने वाले हैं। और अगर यहाँ पे दूसरी ओर अगर जोबट विधानसभा की बात करें, तो देखिए मैं जोबट को बताना चाहूंगा आपको कि वर्तमान में यहाँ पे बीजेपी विधायक मारुति सिंह भावर थे, उनके ऊपर दोबारा टिकट उसको देकर भाजपा ने उनसे भरोसा जताया है। और उसके बाद यहाँ पे अगर कांग्रेस से बात करें तो गलियारे से खबर ये आ रही है कि यहाँ से जो कांतिलाल भूरिया की भतीजी है कलावती भूरिया, उनको यहाँ पे मैदान में उतारा जा सकता है। ऐसे में एक खबर निकल के ये भी सामने आ रही है, जो सरोज तरावत पूर्व विधायक यहाँ की थी और राज्य मंत्री दिग्विजय सिंह शासनकाल में रही है, उनके बेटे जो विशाल रावत है वो कहीं ना कहीं निर्दलीय चुनाव यहाँ से लड़ सकता है। ऐसे में कांग्रेस का समीकरण कहीं ना कहीं यहाँ से बिगड़ सकता है। दिपेश, और कांग्रेस और बीजेपी में यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पे देखने को मिल सकता है। चलिए बहुत शुक्रिया रामेश्वर इस पूरी बातचीत के लिए। एक लास्ट कमेंट चलते चलते अपने दोनों मेहमानों से। सबसे पहले शाइनी जी, जो बीजेपी 200 पार का नारा लेकर चल रही थी, है ना, तो ये लिस्ट देख करके 177-176 में अभी आपको क्या लग रहा है, उम्मीद है? देखिए इसमें जितने हैं जो नाराज कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनको बीजेपी किस तरह से अपने उनकी नाराजगी खत्म कर सकते हैं उस पर पूरा निर्भर करेगा, क्योंकि अगर इनने विरोध किया तो बीजेपी को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये सारे सीट जो उनने बाहर से लोगों को टिकट दिए हैं उसके चलते कार्यकर्ताओं में जो नाराजगी है और बगावत की जो वो सर स्वर उठ रहे हैं वहाँ पे, तो उसके चलते बीजेपी को बहुत मुश्किल हो सकती है। ये क्या आपको लगता है कुछ फेरबदल इस लिस्ट में हो सकता है? हो सकता है, पर ज्यादा तो नहीं करेंगे। अगर एकाध बहुत ज्यादा प्रेशर आने पे एकाध सीट में बदलाव हो सकता है, लेकिन ज्यादातर सीट वही रहेंगे। मुझे नहीं लगता बीजेपी अब बहुत ज्यादा इसमें कोई चेंजेस करेंगे इस सीटों में, एकाध सीट में बड़े हो सकता है। लेकिन नाक के नीचे हुजूर में आप देख रहे हैं कितना बड़ा जितने बगावत हो रहे हैं उसके चलते बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मुश्किल खड़ा हो सकता है। अनिल जी, एक लास्ट कमेंट आपका। दीपेश जी, बीजेपी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, जिस तरीके से वो कार्यकर्ताओं को जो अब पिछले 15 सालों से जो पुड़िया देते रहे, वो अलग ही पुड़िया शब्द ही कहना ठीक रहेगा, उन्होंने कह दिया है, क्योंकि तत्काल अगर कोई रिएक्शन आता तो बात बढ़ती जाती है, और अगर 2-3 दिन अगर मामला टल जाता तो उस तरह का विरोध से सामने नहीं आता, तो उन्होंने मैसेज देना शुरू कर दिया। जहां बगावते हैं कह दिया है कि 28-29 टिकट चेंज किए जा सकते हैं, तो कार्यकर्ताओं को कहीं नहीं लग रहा है कि हाँ एक आस नजर आ गई है कि, और ये कहते हैं ना, दूध जब उबलता है उसको फान पर पानी डालने की बीजेपी ने की है, छींटे डालने की, ताकि विरोध उतना खुलकर सामना ना आए। और ये रणनीति बीजेपी कितना काम करेगी, मुझे नहीं लगता कि 176 टिकट घोषित हुए उसमें बीजेपी कोई ज्यादा चेंजेस करेगी जी। और ये विनिंग कैंडिडेट कितने लग रहे हैं इसमें आपको?
बीजेपी का नारा तो 200 पार का है इस बार, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 200 पार होगा, क्योंकि बीजेपी के लिए संघर्ष बढ़ गया है। राहुल गांधी ने 140 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी की लिस्ट सामने आई उस लिस्ट को रोक दिया है और नए सिरे से रणनीति बनाई जा रही है। 140 नाम तो लगभग फाइनल है, कुछ चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन अब बीजेपी की लिस्ट को देखते हुए कांग्रेस गांधी राहुल गांधी के यहाँ बैठक अभी लगातार चल रही है, हो सकता रात तक नहीं तो कल सुबह ये टिकट डिक्लेयर हो जाएंगे और कांग्रेस की रणनीति इस लिस्ट के आने के बाद क्या रहती है, क्या दिखती है, उस पर तय होगा कि बीजेपी 200 पार रहती है या 116 से नीचे आ जाती है या फिर कांग्रेस अपना वनवास खत्म करती है। चलिए बहुत शुक्रिया शाइनी जी आपका, अनिल जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारी खास पेशकश में इतना ही, यूं कहें कि सत्ता का महासंग्राम छिड़ गया है मध्य प्रदेश में, पहला दांव चला है बीजेपी ने 176-177 नामों के साथ में, कांग्रेस बड़ी कश्मकश में बड़ी जद्दोजहद में बड़ा मंथन चल रहा है, लेकिन मंथन से क्या वाकई अमृत कलश निकलता है फिर विष कलश, क्योंकि दोनों मंथन से ही निकले थे, तो और वो किसके पक्ष में जाता है किसके खिलाफ जाता है, और जो आवागमन चालू है इस पार्टी से उस पार्टी, और बहुत वही कहते हैं कि राजनीति और क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो, जैसे आखिरी गेंद तक क्रिकेट का रोमांच बना रहता है, वैसे राजनीति में यूं कहें कि जब तक नामांकन की आखिरी तारीख ना हो जाएगी तब तक कौन किसके साथ है कौन किसके खिलाफ है ये पता कर पाना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल फिलहाल तो अब अगला दांव कांग्रेस को चलना है, देखना कितना जल्दी चल पाती है। जैसे ही कांग्रेस की लिस्ट आएगी हम फिर आपके सामने उस पर विश्लेषण करेंगे, और लगातार हमारी जो खास पेशकश है वो हर दिन इसी तरह शाम 7 बजे से 9 बजे तक जारी रहेगी। फिलहाल आज इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो।